हेलो 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 अतुल साक्षी वंशिका हेलो एवरीवन। चलो तो आज हम शुरू करेंगे नेक्स्ट पार्ट। आज भी सिर्फ इकोनॉमिक्स लूंगा बच्चों मैं, ठीक है? करेंगे हमको करंट अफेयर्स भी, जस्ट गिव मी सम टाइम। हम लोग करंट अफेयर्स का सिर्फ अपडेटेड पार्ट करना बाकी है, ठीक है? तब तक बाकी चीज़ें लर्न करो। हेलो साक्षी, और एक साक्षी, अ न्यू साक्षी वी हैव टुडे, साक्षी मिश्रा। ओके ठीक है, तो बच्चों हम लोगों ने क्या क्या देख लिया? आज भी सिर्फ इकोनॉमिक्स होगा, जब तक है जान हम लोग आज इकोनॉमिक्स करेंगे, देन वी विल शिफ्ट टू, देन वी विल शिफ्ट टू नथिंग टुडे, नथिंग। करंट अफेयर्स के लिए 1 और 2 दिन का टाइम दीजिए, हम पूरा करंट अफेयर्स का लेटेस्ट अपडेटेड ही खत्म कर देंगे। टाइप्स ऑफ शेयर्स देख लिया हमने, प्लीज ध्यान दो। टाइप्स ऑफ शेयर्स हम लोगों ने देखा, कौन से शेयर्स देखे हमने? इक्विटी और दूसरा कौन सा था? प्रेफरेंस शेयर, यस और नो? इक्विटी एंड प्रेफरेंस शेयर। इक्विटी ऑर्डिनरी शेयर्स होते हैं, इक्विटी ऑर्डिनरी शेयर्स होते हैं, ठीक है? एंड दीज आर एक्चुअली द रियल ओनर्स ऑफ द बिजनेस, दीज आर योर ओनर्स ऑफ द बिजनेस। प्रेफरेंस आर नॉट ऑर्डिनरी शेयर्स, दे गेट अ प्रेफरेंस इन पेमेंट ऑफ डिविडेंड ऑल्सो एंड इन रीपेमेंट ऑफ कैपिटल ऑल्सो। दे गेट वॉट? दे गेट प्रेफरेंस इन पेमेंट ऑफ डिविडेंड ऑल्सो एंड प्रेफरेंस इन पेमेंट ऑफ रीपेमेंट ऑफ कैपिटल ऑन द लिक्विडेशन, ऑन द इवेंट ऑफ लिक्विडेशन। ओके तो इक्विटी शेयर्स, अब अगर इक्विटी शेयर्स की बातें करें, इक्विटी शेयर्स को प्रॉफिट तभी मिलेगा जब प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को पे हो चुका है। अगर किसी साल प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को पे करने के लिए एडिक्वेट प्रॉफिट नहीं है तो उस साल इक्विटी शेयर होल्डर्स को कुछ नहीं मिलेगा। एक सेकेंड रुक जाओ, थोड़ा साइड में जाता हूं मैं। ठीक है, तो शेयर्स हो गए, इक्विटी शेयर्स हो गए, प्रेफरेंस शेयर्स हो गए, ठीक है? अब बात करते हैं हम लोग दूसरे टाइप ऑफ कैप फाइनेंस की। दूसरा टाइप ऑफ फाइनेंस जो है बच्चों, ये जो फाइनेंस है ये हमें मिलता है कैपिटल मार्केट में ही। एक्चुअली कैपिटल मार्केट में कैपिटल मिलना चाहिए, बट हम लोगों ने देखा है कि अब कैपिटल का मीनिंग क्या होगा। अब कैपिटल का मीनिंग होगा लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट इन द बिजनेस। अब कैपिटल का मीनिंग होगा क्या? कैपिटल का मीनिंग होगा लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट इन द बिजनेस। ठीक है, लॉन्ग टर्म के लिए हम पैसे लेते हैं 2 तरीके से, प्लीज ध्यान दो। ये है मेरी कंपनी, व्हाट वॉज द नेम ऑफ माई कंपनी? ये है मेरी कंपनी बहुत बारी लिमिटेड। क्या नाम था मेरी कंपनी का? बहुत बारी लिमिटेड। इसको क्या करूं मैं, ये ना, ठीक है चलो। ये है मेरी कंपनी बहुत बारी लिमिटेड। इस बहुत बारी लिमिटेड को क्या चाहिए? दिस कंपनी वांट्स फाइनेंस, दिस कंपनी वांट्स कैपिटल। ठीक है, फाइनेंस का ही दूसरा मीनिंग क्या होगा बच्चों? दिस कंपनी वांट्स कैपिटल। कैपिटल मतलब व्हेन इट इज टेकिंग मनी। ये जो कंपनी है बहुत बारे लिमिटेड, इसको कैपिटल चाहिए। कैपिटल चाहिए का मतलब क्या है? इसको पैसा चाहिए लॉन्ग टर्म के लिए। तो इफ यू आर एन इन्वेस्टर, अगर आप एक इन्वेस्टर हो, ठीक है, और आप इस कंपनी को लॉन्ग टर्म के लिए पैसा दे रहे हो, ठीक है, तो ये कंपनी उसे फाइनेंस या कैपिटल बोलेगी। बट एक इन्वेस्टर के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचो, अलग अलग इन्वेस्टर्स अलग अलग तरीके के होते हैं। रिस्क बेसिस पे अलग अलग इन्वेस्टर्स को अलग अलग टाइप के रिस्क और रिवॉर्ड्स पसंद होते हैं। बच्चों अब इन्वेस्ट करते क्यों हो किसी भी चीज में?
आप यहाँ पे टाइम इन्वेस्ट कर रहे हो, आप यहाँ पे टाइम इन्वेस्ट कर रहे हो काय को, वाई वाई आर यू इन्वेस्टिंग योर टाइम योर एवरी डे इन द इवनिंग, दिवाली सर पे है, हम यहाँ पे टाइम इन्वेस्ट कर रहे हैं, वाई आर यू डूइंग इट, वाई आर यू डूइंग दिस टाइम इन्वेस्टमेंट, बिकॉज यू वॉन्ट टू, यस यू वॉन्ट टू पास योर एग्जाम्स, अब आपकी एग्जाम्स पास करना चाहते हो, मतलब जब आप टाइम इन्वेस्ट कर रहे हो तो आप रिटर्न में एक्सपेक्ट कर रहे हो सक्सेस, आप कुछ ना कुछ रिटर्न एक्सपेक्ट कर रहे हो, यस और नो, ठीक है। एक और एग्जाम्पल देता हूं, हमारे पास एक बंदा है मिस्टर ए बेचारा, और हमारे पास एक बंदी है मिस एक्स, मिस एक्स, मिस एक्स, मिस एक्स बहुत कलरफुल है, ओके, हमारे पास एक बंदा है मिस्टर ए, हमारे पास एक बंदी है मिस एक्स, मिस एक्स बहुत कलरफुल बंदी है, मस्त, ठीक है। अब प्लीज ध्यान दो, ठीक है, मिस्टर ए को मिस एक्स पसंद है, इसीलिए मिस्टर ए क्या करता है, मिस्टर ए उसके साथ चैट करता है, मिस्टर ए उसको जाके मिलता है, मिस्टर ए उसके लिए बहुत सारी चीजें करता होगा, आई डोंट नो क्या क्या कर सकते हो तुम लोगों को, अगर कोई लड़की पसंद है तो तुम क्या करोगे, अगर तुम लोगों को कोई लड़की पसंद है या गर्ल्स तुमको अगर कोई लड़का पसंद है तो तुम लोग क्या करोगे, विल यू चैट विद दैट पर्सन, यस, विल यू ट्राई टू मीट दैट पर्सन, यस, यस और नो, तुम कोशिश करोगे कि इसके साथ जितना ज्यादा इन्वॉल्व हो सको इन्वॉल्व हो जाओ, यस yes? पक्का, डोंट यू थिंक इससे कुछ रिटर्न एक्सपेक्टेड है तुमको, यस यू आर एक्सपेक्टिंग कि आप जब चैट करो तो उसने रिप्लाई देना चाहिए, आप मिलने जाओ तो मिलने आनी चाहिए, आप कुछ खा रहे हो तो उसने भी खाना चाहिए आपके साथ, ऐसा कुछ ना कुछ आप उससे एक्सपेक्ट करोगे, सो दैट इज व्हाट दे आर सेइंग कि बच्चों आप जब कहीं पे भी कुछ भी इन्वेस्ट करते हो ना, आप एक इंसान हो, आप रिटर्न जरूर एक्सपेक्ट करोगे, कोई भी इंसान फोकट में कुछ नहीं करता, ये हमेशा याद रखना, सिर्फ माँ बाप कर सकते हैं फोकट में आपके लिए कुछ, सिर्फ कौन कर सकता है, माँ बाप, माँ बाप के अलावा फोकट में आपको दुनिया में कोई पूछने नहीं वाला है, अगर कोई भी इंसान आपको कुछ दे रहा है तो बदले में कुछ रिटर्न एक्सपेक्ट कर रहा है, समझा, यहाँ पे टाइम भी दे रहा है ना तो टाइम एक्सपेक्ट करेगा, आपका बेस्ट फ्रेंड आपको टाइम दे रहा है और जब वो बेचारा सैड है तब आप उसको टाइम नहीं दे पा रहे हो, वो बोलेगा साला तेरे टाइम पे तो मैंने तेरे को हेल्प किया था, तेरे को मेरे लिए टाइम नहीं है, मतलब वो टाइम एक्सपेक्ट, कुछ ना कुछ रिटर्न एक्सपेक्ट करेगा। सो नाउ जस्ट थिंक ऑफ एन इन्वेस्टर, ठीक है, इन्वेस्टर कौन है, जिसके पास एक बहुत ब्यूटीफुल बच्चा है, प्लीज ध्यान दो, इन्वेस्टर एक ऐसा इंसान है जिसके पास एक बहुत ब्यूटीफुल बच्चा है और उस ब्यूटीफुल बच्चे को हम बोलते हैं मनी, बेटा दुनिया का सबसे प्यारा बच्चा मनी होता है, क्योंकि लोग अपने सगे बच्चों को दूसरों के घर पे छोड़ के जाते हैं बट अपने पैसे को छोड़ के नहीं जाते, तो दुनिया का सबसे प्यारा बच्चा कौन है, मनी, समझा, सबको चाहिए, हाँ, यस और नो, एक इन्वेस्टर है उसके पास मनी है, ठीक है, और ये इन्वेस्टर इस पैसे को देना चाहता है एक कंपनी को, एक कंपनी आती है और कंपनी इन्वेस्टर को बोलती है देना यार तेरा बच्चा हमको, ठीक है, देना भाई तेरा बच्चा दे हमको, इन्वेस्टर बोलेगा मेरा बच्चा मतलब मेरे मनी मैं तुमको दे दूंगा बट इसके बदले में तुम मुझे क्या दोगे, कंपनी कैन ऑफर मेनी थिंग्स टू यू, बेटा पैसे दे रहे हो तो कंपनी आपको बहुत सारे ऑप्शंस देगी, कंपनी बोलेगी क्या चाहिए, इन्वेस्टर तू सिर्फ सांग, तू सिर्फ बता तुझे क्या चाहिए, इन्वेस्टर के पास अलग अलग इन्वेस्टर्स अलग अलग चीजों की उम्मीद करते हैं, जैसे एक एग्जाम्पल, एक मिस्टर एम दूसरा मिस्टर जेड, ठीक है, ये अपनी गर्लफ्रेंड को जब पिक्चर देखने लेके जाता है, ये अपनी गर्लफ्रेंड को जब मूवी देखने लेके जाता है तो ही एक्सपेक्ट्स कि उसकी गर्लफ्रेंड ने उसका हाथ पकड़ना चाहिए, मिस्टर जेड अपनी गर्लफ्रेंड को जब पिक्चर लेके जाता है मूवी देखने लेके जाता है, सेम पिक्चर है, मिस्टर एम और मिस्टर जेड ये बेस्ट फ्रेंड्स है, दो बंदे हैं, दोनों अपनी गर्लफ्रेंड्स के साथ मूवी देखने चले गए, रिसेंटली महाराष्ट्र में थिएटर्स ओपन हुए, मिस्टर एम अपनी गर्लफ्रेंड के साथ जाता है तो ही एक्सपेक्ट्स कि उसकी गर्लफ्रेंड ने उसका हाथ पकड़ के बैठना चाहिए, मिस्टर जेड अपनी गर्लफ्रेंड के साथ जाता है ही एक्सपेक्ट्स कि मेरी गर्लफ्रेंड ने पॉपकॉर्न और कोल्ड ड्रिंक खुद खरीद के लाना चाहिए मेरे लिए भी, ये क्या एक्सपेक्ट करता है, बच्चों अपनी सोच साफ रखो, थिएटर में पिक्चर देखने जाया करो, ओके, ठीक है, तो ये एक्सपेक्ट करता है कि मेरी गर्लफ्रेंड ने भैया पॉपकॉर्न खरीद के लाना चाहिए और कोल्ड ड्रिंक भी खरीद के लाना चाहिए, हाथ नहीं पकड़ा तो भी चलेगा, वो सब नहीं चाहिए मेरे को पॉपकॉर्न चाहिए, प्लीज ट्राई अंडरस्टैंड, टू पीपल इन्वेस्टिंग द सेम थिंग,
Mr. M is also investing his 3 hours and the same amount of money in his girlfriend. Mr. Z is also investing the same thing, 3 hours and the same amount of ticket. Best friends hai baju baju mein baithe, ticket same, sab same. They are investing same but expecting different different returns. इसके अलावा भी तुम जो सोच सकते हो सोच लेना, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। तुम्हारी सोच बहुत अच्छी है, समझा यहाँ पे बच्चों। और अपनी सोच को उड़ान दो बोलते हैं ना, तो दो उड़ान, उड़ने दो, किधर तक सोच जाती है। तो प्लीज ध्यान दो, मिस्टर एम और मिस्टर जेड दोनों इन्वेस्ट सेम चीजें कर रहे हैं बट एक्सपेक्ट अलग अलग कर रहे हैं। मिस्टर एम एक्सपेक्ट करता है हाथ पकड़ना चाहिए इसने मेरा, मिस्टर जेड एक्सपेक्ट करता है पॉपकॉर्न खिलाना चाहिए। वैसे ही इन्वेस्टर्स होते हैं बच्चों, हर इन्वेस्टर सेम चीज सेम कंपनी से अलग अलग चीजें एक्सपेक्ट करेगा। तो इस सब को हम ब्रॉडली अगर क्लासिफाई करें, कुछ इन्वेस्टर्स सिक्योरिटी प्रेफर करेंगे, कुछ इन्वेस्टर्स सिक्योरिटी प्रेफर करेंगे। सिक्योरिटी प्रेफर करेंगे मतलब कुछ इन्वेस्टर्स बोलेंगे कि सर हमको सेफ्टी चाहिए। हमारा बच्चा ही है, बच्चा कौन है हमारा बच्चा, पैसा, ये जो मनी है ये हमारा बच्चा है, ये जब आपके पास आता है हमको सिक्योरिटी चाहिए कि हमें हमारा पैसा वापस मिल जाएगा, समझा। यहाँ पे हमको एक सेफ्टी चाहिए कि हमारा जो पैसा है, देखो उस पैसे के साथ और कुछ आए ना है, हमारा बच्चा अगर हम आपके पास छोड़ के जा रहे हैं वो कुछ एक्स्ट्रा लाए ना लाए, एटलीस्ट बच्चा वापस आ जाना चाहिए, समझा। या फिर एक इन्वेस्टर, तो प्लीज ध्यान दो, एक इन्वेस्टर था एक्स, एक इन्वेस्टर था वाई। एक्स बोलता है कंपनी को कि मैं आपको जो भी मनी दूंगा मुझे वो पूरा की पूरा रिटर्न चाहिए, समझा यहाँ पे। और वो कुछ सीखे ना सीखे उससे कुछ ज्यादा उम्मीद नहीं है, मुझे मेरा बच्चा सिर्फ लेके जाओ वापस लाके दो। वाई बोलता है कि मुझे, मैं अगर आपको पैसे दे रहा हूं तो मुझे बहुत अच्छा सा रिटर्न चाहिए, हर साल मुझे अच्छे खासे पैसे चाहिए। वाई बोलता है कि मुझे बहुत ज्यादा पैसे चाहिए आपकी कंपनी में, मुझे देखो आपकी कंपनी को लॉन्ग टर्म के लिए पैसे दे रहा हूँ। वाई क्या बोल रहा है, मैं आपकी कंपनी को लॉन्ग टर्म के लिए पैसा दे रहा हूँ तो आपने मुझे क्या करना चाहिए, प्लीज ध्यान दो। वाई बोल रहा है भैया मेरे से पैसे ले रहे हो लॉन्ग टर्म के लिए ले रहे हो, ये वाई है। वाई क्या बोल रहा है, मेरे से पैसे ले रहे हो 10 साल 20 साल 25 साल के लिए पैसा लेके जा रहे हो, मतलब मेरा पैसे से कंपनी चलाओगे। कंपनी ने बोला हाँ, तो मुझे इसमें वोटिंग राइट चाहिए, वोटिंग राइट चाहिए मतलब मुझे डिसीजन मेकिंग पावर चाहिए। काय को चाहिए डिसीजन मेकिंग पावर, क्योंकि आप मेरा पैसा लेके इतने सालों तक यूज करोगे तो मेरी वजह से आप ये कंपनी चला पा रहे हो, तो प्लीज मेक मी एन ओनर। समझा कि नहीं समझा। सो टू डिफरेंट टाइप्स ऑफ पीपल इन्वेस्टिंग द सेम अमाउंट ऑफ मनी बट एक्सपेक्टिंग डिफरेंट रिटर्न्स। हेलो ऋषिता, नमस्ते जी, ठीक है। अच्छे मूड में हूँ मैं हमेशा अच्छे मूड में रहता हूँ बच्चों। मैं जब सिखाने बैठ जाता हूँ ना मैं बहुत अच्छे मूड में रहता हूँ, ठीक है। और किसी को मिलता हूँ तो भी अच्छे मूड में रहता हूँ, किसको, किसी को भी, ठीक है। चलो, सो कमिंग बैक टू माय पॉइंट, कंपनी। तो यार एक्स एंड वाई, बच्चों देखो वाई चाहता है ओनरशिप मिल जाए, तो वाई को हम बोलेंगे अंकल आप शेयर खरीदो। वाई अंकल आप क्या खरीदो, शेयर खरीदो, शेयर खरीदो, हर साल वोट करना, हर साल डिसीजंस में पार्टिसिपेट करना, जब प्रॉफिट होगा ओनर बनना चाहता है वाई, जब प्रॉफिट होगा तब आपका शेयर लेके चले जाना। एक्स बोलता है मुझे सेफ्टी चाहिए, मुझे ज्यादा रिस्क नहीं चाहिए, रिस्क बिल्कुल रिस्क नहीं लेने का बाबा, मुझे ज्यादा रिस्क नहीं चाहिए, रिस्क नहीं, ठीक है। अगर बोलना है तो अच्छे से बोलो वरना एकदम ही खराब बोलो, ऐसा बीच में नहीं करने का, ठीक है। रिक्स, वाई ने बोला मुझे रिस्क नहीं चाहिए, एक्स ने क्या बोला था, रिस्क नहीं चाहिए। एक्स है तो एक्स को क्या बोलते हैं, भैया तू हमारा डिबेंचर ले ले, समझा यहाँ पे। तो डिबेंचर इज अ लिटिल सेफर फॉर्म ऑफ इन्वेस्टमेंट एज कम्पेयर टू शेयर्स, समझा यहाँ पे, ठीक है। तो ये जो कंपनी है इसको चाहिए था लॉन्ग टर्म के लिए, इसको चाहिए था कैपिटल, ठीक है, कैपिटल चाहिए। तो ये अपने शेयर होल्डर्स को क्या देती है, शेयर होल्डर्स को शेयर्स देगी, प्लीज ध्यान दो, शेयर्स देगी किसको, शेयर होल्डर्स को, ओके। अरे ये शेयर्स किसको देगी, शेयर होल्डर्स को। इसकी वजह से एक बात समझो, शेयर होल्डर्स जो भी मनी देने वाले हैं, शेयर होल्डर्स जो भी मनी देने वाले हैं उसके बदले में शेयर होल्डर्स को शेयर्स मिलेंगे, जिससे शेयर होल्डर्स ओनर बन जाएंगे। तो इन्हें प्रॉफिट में शेयर मिलेगा, प्रॉफिट में शेयर मिलेगा, डिसीजन मेकिंग में पावर मिलेगा, समझा यहाँ पे। बट इनको इनके पैसे वापस कभी नहीं मिलेंगे, जब तक कंपनी बंद नहीं होती शेयर होल्डर्स को उनके पैसे वापस नहीं मिलते। चाहिए तो कैपिटल मार्केट जाओ, अपना शेयर किसी और को बेच दो, ठीक है। फिर दूसरे आते हैं डिबेंचर होल्डर्स। कंपनी ने क्या किया, कंपनी ने शेयर होल्डर्स से 10 करोड़ रुपए ले लिए, कंपनी ने शेयर होल्डर्स से 10 करोड़ रुपए ले लिए, जिसमें इस कंपनी का जो प्रमोटर था, प्रमोटर जो कंपनी स्टार्ट करता है उसके पास 4 करोड़ के शेयर्स है, प्लीज ध्यान दो।
ये भी एक इंपॉर्टेंट लॉजिक है इसे समझने का। हमने कंपनी स्टार्ट की, यस सर कर दी। कंपनी जिसने स्टार्ट की, मैंने स्टार्ट की, सपोज मैंने ये कंपनी स्टार्ट की, 10 करोड़ के शेयर्स मार्केट में बेचने के लिए निकाले, बट उसमें से 4 करोड़ खुद के पास रख लिए। अगर 10 करोड़ में से 4 करोड़ खुद के पास रख लिए, मतलब मेरे पास इस कंपनी का 40% वोटिंग राइट है। मेरे पास इस कंपनी का कितना है? 40% वोटिंग राइट्स है। समझा कि नहीं समझा? यस और नो? हमारी कंपनी को और 10 करोड़ चाहिए। अब क्या मैटर हो गया, देखो, हमारी कंपनी को चाहिए और 10 करोड़, ठीक है। अब अगर हम और 10 करोड़ के शेयर्स बेच देंगे तो अब ध्यान दो, पहले 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 मैं प्रमोटर हूं, मेरे पास 4 करोड़ के शेयर्स थे, आउट ऑफ 10 करोड़ के शेयर्स इनटू 100, तो मेरे पास 40% वोटिंग राइट था। अब क्या हो गया, अब हमने और 10 करोड़ चाहिए, तो हमने और 10 करोड़ के शेयर्स इशू कर दिए, तो अब पहले के 10 और अभी के 10 टोटल शेयर्स है 20 करोड़, बट मैं और शेयर्स नहीं खरीद पाया जो नेक्स्ट 10 करोड़ के, ये जो 10 करोड़ के फिर से शेयर्स इशू किए ना, तब मेरे पास पैसे नहीं थे, तो मेरे पास अभी भी 4 करोड़ के ही शेयर्स है इनटू 100 टोटल कैपिटल में। अब मेरा प्रॉफिट शेयर कितना हो गया, या वोटिंग पावर कितनी हो गई? अब मेरी वोटिंग पावर हो गई सिर्फ और सिर्फ 20%। मैंने कुछ नहीं किया, बट हमको अगर और 10 करोड़ चाहिए और इस 10 करोड़ के लिए हमने शेयर्स इशू कर दिए, इस 10 करोड़ के लिए हमने शेयर्स इशू कर दिए, तो एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम हो जाएगा, एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स की वोटिंग राइट कम हो जाएगी। बट सर 10 करोड़ तो चाहिए हमको, हमारे पास ऑलरेडी 10 करोड़ है, हमको और 10 करोड़ चाहिए। अब हम क्या करेंगे, हम फिर से पब्लिक के पास जाएंगे, ये कंपनी जाएगी पब्लिक के पास और पब्लिक को बोलेगी कि हमें पैसा दो इन द फॉर्म ऑफ लोन, इन द फॉर्म ऑफ लोन। इसे बोला जाता है पब्लिक बोरोइंग। पब्लिक को बोला भैया पैसे दो, हम आपको उस पे ब्याज देंगे, प्रॉफिट नहीं देंगे। समझा कि नहीं समझा? सो पब्लिक से बोरो जब करती है कंपनी जब पब्लिक से बोरो करती है तो उनके हाथ में जो देती है उसे डिबेंचर बोलते हैं। समझा? सो इट इज पब्लिक बोरोइंग, ठीक है। तो पब्लिक बोरोइंग मतलब क्या, ये अगर हमारी कंपनी है और ये हमारा पब्लिक है, ठीक है, एक सेकेंड ना, ये हमारा पब्लिक है, ठीक है, पब्लिक कंपनी को लोन देती है, पब्लिक क्या दे रही है कंपनी को, पब्लिक कंपनी को लोन दे रही है, कंपनी पब्लिक को डिबेंचर दे रही है, ठीक है। तो एक बात याद रखना, इस डिबेंचर पे पब्लिक को मिलेगा ब्याज, दैट इज इंटरेस्ट, तो डिबेंचर के आगे भी ऐसा कुछ लिखा रहेगा, समझा। तो अगर कंपनी ने 10-11% डिबेंचर इशू किए हैं 1 करोड़ रुपए के, 1 करोड़ के डिबेंचर इशू किए, 11% डिबेंचर्स, तो 11% डिबेंचर्स कितने परसेंट डिबेंचर्स, 11% डिबेंचर्स इशू किए, ठीक है, जिनकी फेस वैल्यू कितनी है, जिनकी फेस वैल्यू है 1 करोड़, तो एवरी ईयर इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा 11 लाख रुपीस। आपको प्रॉफिट हो या ना हो, इंटरेस्ट डिबेंचर होल्डर्स को मिलते रहेगा। अंडरस्टूड एवरीवन? आपको प्रॉफिट हो या ना हो, इंटरेस्ट मिलते रहेगा। एवरीवन समझा? तो डिबेंचर होल्डर्स को इंटरेस्ट मिलता है, दैट्स इट, इतना इंपॉर्टेंट था। डिबेंचर होल्डर्स को क्या मिल जाता है? इंटरेस्ट। एवरीवन अंडरस्टूड? तो डिबेंचर होल्डर्स जो है, जिससे हम, ये वो लोग हैं जिनसे हमने पैसे लिए हैं बट एज अ बोरोइंग, इनसे पैसे हमने एज अ बोरोइंग लिए हैं। जिनसे लोन लेते हो ना, उनको आप घर में डिसीजन लेने की पावर नहीं देने वाले हो। आई होप यू ऑल हैव अंडरस्टूड ऑल ऑफ दिस। तो आप देखते हैं डिबेंचर्स। अब डिबेंचर क्या होता है भाई साहब? डिबेंचर, अ कंपनी रेजेस लॉन्ग टर्म फाइनेंस थ्रू पब्लिक बोरोइंग, नाम में लिखा है, बोरो करना है पैसा पब्लिक से। These loans are raised by issue of debentures. Debenture is a document. अब तो ऑनलाइन मिलता है इसीलिए डॉक्यूमेंट नहीं आएगा, डिमटेरियलाइज्ड फॉर्म में आएगा, बट पहले आपको डिबेंचर सर्टिफिकेट मिलता था। अगर मैं कंपनी के पास जाऊँ, उनको 1 लाख रुपए दे दूँ कि ये लो मुझे 1 लाख के डिबेंचर दो, तो मैं उनको 1 लाख रुपए दूंगा, वो मुझे 1 लाख के डिबेंचर सर्टिफिकेट देते थे, डॉक्यूमेंट अंडर द कंपनी सील, इसपे कंपनी का सिग्नेचर होगा, दैट इज कॉमन सील, एंड प्रोवाइड्स फॉर द पेमेंट ऑफ प्रिंसिपल ऑफ सम एंड इंटरेस्ट एट रेगुलर इंटरवल्स। आपने जो डिबेंचर खरीदा है, मैं हूं केवी सर, ठीक है, ये है ए लिमिटेड, ठीक है, मैं गया, मैंने इनको 1 लाख रुपीस दे दिए,
तो इन्होंने मुझे डिबेंचर्स दे दिए, ठीक है। इस डिबेंचर का नाम था 9% डिबेंचर, इस डिबेंचर का नाम था 9% डिबेंचर, मतलब मुझे हर साल 9,000 रुपीज ब्याज मिलते जाएगा। रिमेंबर दिस, हर साल केबी सर को 9,000 रुपीज इंटरेस्ट मिलेगा, नो मैटर व्हाट कंपनी को प्रॉफिट हो ना हो हमको लेना। सर प्रॉफिट नहीं हुआ तो कैपिटल में से 2 पैसे ओनर्स को देने पड़ेंगे पैसे, बट इंटरेस्ट तो देना पड़ेगा, तो मुझे हर साल 9,000 रुपये मिलते रहेगा। सपोज ये डिबेंचर्स आर रिडीमेबल आफ्टर 12 इयर्स, सपोज दिस डिबेंचर्स आर रिडीमेबल आफ्टर हाउ मेनी इयर्स, 12 इयर्स, तो 12 इयर्स तक मुझे हर साल 9,000 मिलेगा और 12 ईयर खत्म होने के बाद मुझे मेरा 1,00,000 रुपया भी रिटर्न मिल जाएगा। समझा यहाँ पे, 12 इयर्स खत्म होने के बाद मुझे मेरा 1,00,000 रुपया दैट इज द प्रिंसिपल दैट आई हैड इन्वेस्टेड वो भी मिल जाएगा। अंडरस्टूड यहाँ पे? तो ये जो प्रिंसिपल सम मैंने इन्वेस्ट किया था प्लस उस पे जो ब्याज है वो मुझे रिटर्न मिलेगा। एवरीवन, आई होप यू ऑल हैव अंडरस्टूड, प्रिंसिपल सम और इंटरेस्ट मिलते जाएगा, विच इज यूजुअली सिक्योर्ड बाय अ फिक्स्ड, ये भी इंपॉर्टेंट है, फिक्स्ड और फ्लोटिंग चार्ज ऑन द कंपनीज प्रॉपर्टी। मतलब क्या, ये है कंपनी की बैलेंस शीट, बैलेंस शीट में नजर आ रही है कुछ असेट्स, ठीक है, असेट्स है, कुछ भी असेट्स हो सकती है हमारे पास, फर्नीचर, प्लांट एंड मशीनरी, स्टॉक्स आर करंट असेट, ओके, डोंट फॉरगेट दैट, स्टॉक्स आर करंट असेट। अब कंपनी डिबेंचर इशू कर रही है, मैं हूं केबी सर, मैं कंपनी का डिबेंचर खरीदना चाहता हूं, बट मैंने कंपनी को बोला कि हे कंपनी अगर तुम बर्बाद हो गए तो मेरे 1,00,000 रुपए कौन देगा, मैं क्रेडिटर हूं। प्लीज ध्यान दो, डिबेंचर होल्डर्स हमारी कंपनी के क्रेडिटर्स होते हैं, और आपको डिसोल्यूशन के बारे में थोड़ा बहुत पता होगा कि जरूर बेटा, जब डिसोल्यूशन हो जाता है ना तो सारी असेट्स बिक जाती है, असेट्स बेच के जो पैसा आता है उससे पहले सिक्योर्ड लाइबिलिटीज पे होती है, फिर अनसिक्योर्ड लाइबिलिटीज पे होती है। डिबेंचर जनरली सिक्योर्ड लाइबिलिटीज होती है, डिबेंचर सिक्योर्ड लाइबिलिटी होती है, मतलब क्या, डिबेंचर सिक्योर्ड लाइबिलिटी होती है इसका मतलब बस इतना ही है, डिबेंचर सिक्योर्ड लाइबिलिटी होती है इसका मतलब इतना ही है, डिबेंचर एक सिक्योर्ड लाइबिलिटी है, मतलब मैंने जो पैसे दिए हैं, कंपनी ने 1,00,000,000 रुपए के डिबेंचर इशू किए, प्लीज ध्यान दो, ये है कंपनी की बैलेंस शीट, ये है कंपनी के बैलेंस शीट में फैक्ट्री लैंड एंड बिल्डिंग जिसकी वैल्यू है 2,00,000,000 रुपीज, फर्नीचर जिसकी वैल्यू है 1,00,000,000 रुपीज, स्टॉक जिसकी वैल्यू है 50,00,000 रुपीज, जिस मतलब स्टॉक क्या है बेटा, स्टॉक हमारा करंट असेट है, ये मत भूलना, ठीक है। डिसोल्यूशन मतलब खत्म करना कंपनी को, यस, कंपनी को बंद करना है, जब कंपनी को बंद करना है तो बैलेंस शीट खाली करते हैं, असेट्स को बेचते हैं, लाइबिलिटीज पे ऑफ करते हैं, जो बच गया वो ओनर्स घर पे लेके जाएंगे, दैट इज द प्रोसेस ऑफ डिसोल्यूशन। अब क्या हुआ देखो, इस कंपनी ने डिबेंचर्स इशू किए 1,00,000,000 रुपए के, प्लीज ध्यान दो, इस कंपनी ने डिबेंचर्स इशू किए ऑफ 1,00,000,000 रुपीज, एंड द कंपनी सेड द डिबेंचर्स विल हैव अ फिक्स्ड चार्ज ऑन द फैक्ट्री, बिल्डिंग। इसका मतलब इन द केस ऑफ डिसोल्यूशन अगर कंपनी बंद हो जाती है तो फैक्ट्री बेच के जितना भी पैसा आएगा, 2 करोड़ आओ या 1,50,00,000 आओ या 2,10,00,000 आओ, जितना भी पैसा आया फैक्ट्री बेच के उसमें से पहले 1,00,000,000 रुपीज पे हो जाएंगे। सर अगर फैक्ट्री बेच के 70,00,000 रुपए ही आए तो वो पूरे के पूरे 70,00,000 डिबेंचर होल्डर्स को मिल जाएंगे, बिकॉज ये वाले सिक्योर्ड है। सिक्योर्ड कैसे, सिक्योर्ड बाय क्रिएटिंग अ चार्ज ऑन द असेट, क्रिएटिंग अ चार्ज मतलब गिरवी रखना, हम असेट के ऊपर एक चार्ज क्रिएट कर रहे हैं कि भाई साहब अगर कुछ हो गया ना, भगवान ना करे बट ऐसा कुछ हो गया जिसकी वजह से दुकान बंद करनी पड़ रही है, मतलब धंधा, ये धंधा बंद करना पड़ रहा है, तो ये असेट्स बेचेंगे। सपोज लैंड एंड बिल्डिंग बिकी, तो लैंड एंड बिल्डिंग में से डायरेक्टली डिबेंचर होल्डर्स को नहीं मिलेंगे, दूसरे लाइबिलिटी होल्डर्स को मिलेंगे, बट फैक्ट्री बिकते ही फैक्ट्री में से क्या मिल जाएगा, पैसा किसको मिल जाएगा, डिबेंचर होल्डर को तुरंत मिल जाएगा। समझा यहाँ पे? अब दूसरी चीज यहाँ पे क्या बोला है, डिबेंचर होल्डर्स का फ्लोटिंग चार्ज है ऑन द असेट्स। बेटा फ्लोटिंग चार्ज में असेट का नाम नहीं दिया जाता है, डिबेंचर होल्डर्स इन पूरी असेट्स में से पहले जब भी असेट्स बिकेगी
और अगर डिबेंचर होल्डर के पहले किसी का नंबर लगता है उसको पैसे मिल जाएंगे, बट उसके बाद डिबेंचर होल्डर को इनमें से किसी भी असेट में से 1 करोड़ रुपीज मिल सकते हैं। जब उनका नंबर आएगा तो उनमें से दैट इज फ्लोटिंग चार्ज। फ्लोटिंग मतलब आपका सभी असेट्स के ऊपर चार्ज है, जब आपका नंबर आएगा तो आपको पैसा मिल जाएगा, ठीक है। फिक्स्ड मतलब आपका उस पर्टिकुलर असेट पे चार्ज है, वो बिकते ही आपको आपके पैसे मिल जाएंगे, वो नहीं बिकती है तो आपको रेगुलर क्रेडिटर ट्रीट किया जाएगा। वो बिक जाती है तो मतलब जैसे फैक्ट्री बिल्डिंग पे आपका चार्ज था तो फैक्ट्री बिल्डिंग बिकते ही आपको पहले पैसा मिलेंगे, दूसरों को नहीं मिलेंगे। फिक्स चार्ज एंड फ्लोटिंग चार्ज, ये भी याद रखना। आर डिबेंचर होल्डर सिक्योर्ड? जनरली यस। हाउ आर दे सिक्योर्ड? बाय क्रिएटिंग अ फिक्स्ड और फ्लोटिंग चार्ज ऑन द कंपनीज प्रॉपर्टी। समझा यहाँ पे? एंड विच एक्नॉलेजेस अ लोन। एक और इंपॉर्टेंट चीज समझो, हो सकता है कंपनी ने डिबेंचर्स इश्यू किए बट इनको कोई सिक्योरिटी नहीं दी, तो वो अनसिक्योर्ड डिबेंचर्स हो जाएंगे। सर सिक्योरिटी नहीं दी मतलब डिबेंचर होल्डर्स को डिबेंचर दिया, उनसे पैसा लिया बट उनको कोई सिक्योरिटी नहीं है। कोई सिक्योरिटी नहीं है मतलब उनको कुछ भी प्रॉमिस नहीं किया है। अगर कंपनी बंद होती है, बंद होने के बाद असेट्स बिकेंगे, असेट्स बिकने के बाद सारे सिक्योर्ड क्रेडिटर्स पे होंगे, उसके बाद डिबेंचर होल्डर्स का नंबर आएगा, दैट इज अनसिक्योर्ड। सर नहीं बचे पैसे तो सारे सिक्योर्ड में ही बढ़ गए तो इनको कुछ नहीं मिलेगा, इसीलिए जनरली अनसिक्योर्ड नहीं होते डिबेंचर होल्डर्स। समझा? इट इज जस्ट लाइक अ लोन। बेटा आप लोन भी लोगे ना किसी से तो आपको कुछ ना कुछ गिरवी रखना पड़ता है। कुछ नहीं तो मेरे बच्चे लेके जाओ बोल देने का, सर मैं एक बैंक के पास गया, बोला सर मुझे लोन चाहिए। बैंक ने बोला लोन क्या कुछ है? मैंने बोला मेरे को बहुत बड़ा बिजनेस चालू करने का। क्यों चालू करने का? मैंने बोला मेरे बच्चों का पेट भरने का है, मेरे को बहुत भूखे हैं मेरे बच्चे, बहुत खाते हैं। कितने बच्चे? मैंने बोला सर 18 बच्चे मेरे, 18 बच्चे बहुत खाते हैं सर, मेरे को धंधा चालू करने का है। बैंक ने बोला वेरी गुड, बहुत नेक ख्याल है आपका, हम आपको लोन देंगे बट लोन के लिए आपको कुछ गिरवी रखना पड़ेगा। मैंने बोला सर मेरी असेट तो मेरे बच्चे रख लो चलेगा। That is creating a charge. मैंने बैंक का चार्ज क्रिएट कर दिया मेरे बच्चों पे। ऐसा होता नहीं है रियल लाइफ में, बस एग्जांपल दे रहा हूँ। मैंने मेरे बैंक का चार्ज क्रिएट कर दिया मेरे बच्चों पे। अगर मैं लोन नहीं रेपे कर पाया, मेरे बैंक क्या करेगी? बैंक इस बच्चों को भेज देगी, उसमें से जो पैसा आएगी खुद लेके चली जाएगी। अपना लोन रिपे करवा लो, खुद ही करवा लो। समझा? दैट इज क्रिएटिंग अ चार्ज। सो जनरली डिबेंचर होल्डर्स का हमारी असेट्स पे चार्ज क्रिएटेड होता है। अगर चार्ज क्रिएट नहीं किया तो बैंक की वाट लग जाएगी। क्यों? अगर मैंने लोन रीपे नहीं किया, बैंक आके मेरे से कोई असेट लेके नहीं जा सकते। जब बैंक का नंबर आएगा तब उनको पैसे मिल जाएंगे। डिबेंचर होल्डर हमेशा याद रखो कंपनी का क्रेडिटर होता है। डिबेंचर होल्डर इज द क्रेडिटर ऑफ द कंपनी और डिबेंचर होल्डर्स को फिक्स्ड रेट ऑफ इंटरेस्ट मिलता है। बेटा इंटरेस्ट है ये। प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को फिक्स्ड रेट ऑफ प्रॉफिट मिलता है। डिबेंचर होल्डर्स को फिक्स्ड रेट ऑफ इंटरेस्ट मिलता है। इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर इज अ चार्ज ऑन द प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। चार्ज ऑन द प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का मतलब होता है डेबिटेड टू P&L अकाउंट। Debited to P&L account. Charge on profit. एक सेकेंड प्लीज ध्यान दो। Charged to P&L. Charge on profit. All this means this. P&L को चार्ज करना मतलब P&L को डेबिट करना। चार्ज करना मतलब ऐसे चार्जर लगा के चार्ज नहीं करना बच्चों। अगर मैं मेरा P&L अकाउंट बनाता हूं तो ये इनकम साइड है, समझा? ये इनकम साइड है। क्रेडिट साइड कौन सी साइड हो जाती है? क्रेडिट साइड इज द इनकम साइड और डेबिट साइड इज द एक्सपेंडिचर साइड। जो भी आप इधर डालते हो ना, इट इज चार्ज टू P&L। जो भी आप P&L के डेबिट में डालते हो उसको बोलते हैं हम चार्ज टू P&L। तो इंटरेस्ट आपको इनकम में से माइनस करना पड़ेगा, उसके बाद जो आएगा वो प्रॉफिट माना जाएगा। और एक इंपॉर्टेंट चीज समझो, इन्होंने बोला है इंटरेस्ट इज अ चार्ज ऑन द P&L। इसका मीनिंग क्या होता है? इसका मीनिंग डिडक्ट इंटरेस्ट फ्रॉम इनकम। इनकम में से इंटरेस्ट माइनस करो एंड जो बैलेंस रिमेनिंग है, बैलेंस रिमेनिंग जो बच जाएगा, इनकम में से क्या माइनस कर दिया? इनकम में से इंटरेस्ट माइनस कर दो, जो बैलेंस रिमेनिंग है दैट विल बी द प्रॉफिट। समझा? प्रॉफिट इंटरेस्ट माइनस करने के बाद आता है। तो डिबेंचर होल्डर्स को सबसे पहले पैसे मिलेंगे, क्योंकि डिबेंचर होल्डर्स का पैसा मिलने के बाद जो बचता है वो प्रॉफिट, उसमें से प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को मिलेंगे और उसमें से जो बच गया वो इक्विटी शेयर होल्डर्स को। तो यहां पे ध्यान दो, मैं सब समझा देता हूं एक बार का फुल एंड फाइनल, ठीक है? ध्यान दो इधर, एक फुल एंड फाइनल प्रॉपर डिस्कशन दे देता हूं बिटवीन ऑल द थ्री। नाउ प्लीज पे अटेंशन, हमारी कंपनी ने इक्विटी शेयर इशू किए 1 करोड़ के। प्रेफरेंस शेयर
9% प्रेफरेंस शेयर इशू की है 1 करोड़ के, 10% डिबेंचर्स इशू की है 1 करोड़ के, अगेन जानबूझ के 1 करोड़ लिया है, यहां तक समझा? ठीक है, अब ध्यान दो, हम लोग लेते हैं प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स। प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स मतलब ऑल इनकम्स, प्लीज ध्यान दो, ऑल इनकम्स माइनस ऑल एक्सपेंसेस, सिर्फ एक्सपेंसेस में इंटरेस्ट और टैक्स मत लेना, एक्सक्लूडिंग इंटरेस्ट एंड टैक्स, समझा? सारे इनकम्स में से सारी एक्सपेंसेस माइनस कर दी, सिर्फ 2 एक्सपेंसेस माइनस करना बाकी है, इंटरेस्ट और टैक्स, समझा यहाँ पे? ठीक है, अब एक बात समझो, हमें डिबेंचर होल्डर को इंटरेस्ट कितना पे करना है, इनको इंटरेस्ट हर साल जाएगा 10 लाख रुपीज, ठीक है, इनको प्रॉफिट हर साल जाएगा 9 लाख रुपीज। डू यू अग्री? प्रेफरेंस शेयर होल्डर ने हमें 1 करोड़ रुपीज दिए हैं, प्लीज ध्यान दो, प्रेफरेंस शेयर होल्डर ने हमें 1 करोड़ रुपीज दिए हैं, 1 करोड़ का 9% आता है 9 लाख रुपीज, 9 लाख रुपीज प्रॉफिट में, जब भी प्रॉफिट होगा उसमें से पहले 9 लाख प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स लेके चले जाएंगे, जब भी प्रॉफिट होगा पहले 9 लाख प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स लेके चले जाएंगे, समझा यहाँ पे? प्रॉफिट हो या ना हो डिबेंचर होल्डर्स 10 लाख रुपए लेके जाएंगे। सर इसका मतलब क्या, प्लीज ध्यान दो, एग्जांपल्स देता हूँ। सपोज मेरा प्रॉफिट है 15 लाख रुपीज, प्रॉफिट में से सबसे पहले इंटरेस्ट माइनस हो जाएगा 10 लाख रुपए का, इंटरेस्ट 10 लाख रुपए किसको देना है, डिबेंचर होल्डर्स को, ठीक है, इंटरेस्ट माइनस होने के बाद प्लीज ध्यान दो, इंटरेस्ट इज एन एक्सपेंडिचर, डू यू अग्री इंटरेस्ट इज एन एक्सपेंडिचर? यस सर, इंटरेस्ट इज आर एक्सपेंडिचर, बेटा एक्सपेंडिचर माइनस हो गया, अब बचता है प्रॉफिट, ठीक है, दिस इज कॉल्ड एज प्रॉफिट बिफोर टैक्स। प्रॉफिट बिफोर टैक्स आ रहा है 5 लाख रुपए, ठीक है, इस पे टैक्स सपोज 10%, टैक्स 20% है, तो टैक्स माइनस हो गया 20%, 1 लाख रुपीज माइनस हो गया, 4 लाख बचे, दिस इज अवेलेबल फॉर शेयर होल्डर्स, दिस इज अवेलेबल टू शेयर होल्डर्स, दिस इज अवेलेबल टू शेयर होल्डर्स, 4 लाख रुपए किसके लिए पेंडिंग है, 4 लाख रुपए शेयर होल्डर्स लेके जा सकते हैं, बट सबसे पहले तो प्रेफरेंस शेयर होल्डर को 9 लाख पे करना पड़ेगा, अवेलेबल है नहीं है तो ये रिजर्व में चला जाएगा, समझा यहाँ पे, तो ये रिजर्व में चला जाएगा। ओके, एक और एग्जाम्पल सेम लेते हैं, प्रॉफिट हुआ 25 लाख, उसमें से इंटरेस्ट पे हो गया 10 लाख, इंटरेस्ट पे करने के बाद हमारा जो टैक्स प्रॉफिट बिफोर टैक्स बचता है, बच्चों इंटरेस्ट एक्सपेंडिचर है, माइनस होने के बाद जो प्रॉफिट आएगा उस पर ही टैक्स लगेगा, इस पर टैक्स लग गया 20%, 3 लाख, 15 लाख का 20% कितना आता है 3 लाख, टैक्स लग गया 3 लाख, अब जो बचा ये जो प्रॉफिट है, ये शेयर होल्डर्स को अवेलेबल है 12 लाख, ये शेयर होल्डर्स को अवेलेबल है 12 लाख, इसमें से सबसे पहले प्रेफरेंस शेयर होल्डर लेके जाएगा प्रेफरेंस डिविडेंड, उसको बोलते हैं प्रेफरेंस डिविडेंड, प्रेफरेंस शेयर होल्डर अपना प्रेफरेंस डिविडेंड 9 लाख रुपए लेके चला गया, और उसके बाद जो बच गया वो इक्विटी शेयर होल्डर्स का बच गया कितना, 3 लाख रुपीज। इक्विटी शेयर होल्डर्स ने भी 1 करोड़ डाला है, इधर ध्यान दो, इक्विटी शेयर होल्डर्स ने 1 करोड़ डाला, उन्हें 3 लाख मिल रहे, प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स ने 1 करोड़ डाला, उन्हें 9 लाख मिल रहे, डिबेंचर होल्डर्स ने 1 करोड़ डाला, उन्हें 10 लाख मिल रहे हैं, समझ लो का पक्का। और एक लास्ट एग्जाम्पल, लास्ट एक और एग्जाम्पल दे देता हूं ताकि आपको डिफरेंस समझेगा, तो डिफरेंस देखो, पहला इंपॉर्टेंट चीज समझो, इसको प्रेफरेंस शेयर होल्डर को तभी मिला जब आपका प्रॉफिट हुआ, अगर प्रॉफिट एडिक्वेट नहीं है, अगर प्रॉफिट एडिक्वेट नहीं है तो प्रेफरेंस शेयर होल्डर को मिलेगा भी नहीं, समझा यहाँ पे, प्रॉफिट एडिक्वेट नहीं है प्रेफरेंस शेयर होल्डर को मिलेगा नहीं। एक और एग्जाम्पल ले लो, सपोज मेरा प्रॉफिट हुआ है 8 लाख, प्रॉफिट है 8 लाख का, इसमें से डिविडेंड इंटरेस्ट माइनस हो गया 10 लाख, तो अब मेरा जो बच गया दैट इज लॉस, लॉस ऑफ 2 लाख, तो इस पे नो टैक्स, ठीक है, और प्रॉफिट नहीं लॉस है, अगर लॉस हुआ है आपको 2 लाख रुपए का लॉस हुआ है तो बेटा प्रॉफिट है ही नहीं, इनएडिक्वेट प्रॉफिट, लॉस का दूसरा नाम होता है इनएडिक्वेट प्रॉफिट। इनएडिक्वेट प्रॉफिट मतलब क्या सर, हमें अब देना है, देखो डिवेंचर होल्डर्स को तो 10 लाख दे दिए, अब हमें प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को 9 लाख देने, अवेलेबल है क्या, नहीं, हमारा बैलेंस तो माइनस 2 लाख है, 9 लाख कहां से देंगे, तो अब ना प्रेफरेंस डिविडेंड मिलेगा, ना प्रेफरेंस डिविडेंड मिलेगा, ठीक है, ना ही इक्विटी शेयर होल्डर्स को, देखो जब तक प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को नहीं मिलता, इक्विटी शेयर होल्डर्स को नहीं मिलेगा। अब इसमें सर मेरा बताने का मीनिंग ये था,
अगर आपका प्रॉफिट इंटरेस्ट से भी कम है, प्लीज ध्यान दो इधर, अगर आपका प्रॉफिट इंटरेस्ट से भी कम है बच्चों, ये इंपॉर्टेंट था, प्रॉफिट 8 लाख, इंटरेस्ट 10 लाख, फिर भी इंटरेस्ट दोगे, सर कैसे, हमारे पास 8 लाख ही बचे हैं, 2 लाख कैपिटल से निकाल के दो, बट डिविडेंड पूरा, इंटरेस्ट पूरा 10 लाख पे होगा, अंडरस्टूड अंडरस्टूड। तो ये याद रखो, प्रॉफिट प्रॉफिट में से पहले इंटरेस्ट पे होगा, उसके बाद अगर एडिक्वेट बचा है तो प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को, और उसके बाद जो बचा है वो इक्विटी शेयर होल्डर्स को जाएगा। समझ लो इतपर्यंत पक्का। तो इंपॉर्टेंट चीज क्या थी, इंटरेस्ट इज चार्ज्ड टू P&L अकाउंट, मतलब इंटरेस्ट इज डिडक्टेड। बेटा इंटरेस्ट इज चार्ज टू P&L अकाउंट का मीनिंग क्या है, इंटरेस्ट को चार्ज करना P&L अकाउंट में, मतलब क्या करना, इंटरेस्ट को चार्ज करना मतलब P&L में डेबिट करना। ओके चलो, सो अब आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब आते हैं टाइप्स ऑफ डिबेंचर्स पे, अब आते हैं हम लोग टाइप्स ऑफ डिबेंचर्स पे। पहला है सिक्योर डिबेंचर्स। सिक्योर डिबेंचर्स को हमने क्या बोला, देखो बहुत सिंपल सी चीज बोली हमने सिक्योर डिबेंचर्स को, एक सेकंड रुको बच्चों, जस्ट गिव मी अ मिनट। ओके चलो टाइप्स ऑफ डिबेंचर पे जाते हैं। पहला टाइप है सिक्योर डिबेंचर्स। सिक्योर डिबेंचर्स मतलब क्या, हमने इनको सिक्योरिटी देके रखी है, आप हमको 1 करोड़ रुपए दो, उसके बदले में हमारे असेट्स पे आपका चार्ज क्रिएट करके रखा है। असेट्स पे चार्ज क्रिएट करके रखा है मतलब क्या, देखो आप हमको 1 करोड़ रुपए दो, आप हमको 1 करोड़ रुपए दो, वी विल रिटर्न इट आफ्टर 15 इयर्स, 15 साल के बाद हम लोग ये रिटर्न कर देंगे। वेरी गुड सर, 15 साल में बिजनेस डूब गया तो डोंट वरी, अगर बिजनेस डूबा तो असेट्स बिकेगी, उनमें से एक असेट आपके नाम करके रखिए, वो बिकते ही आपको आपके 1 करोड़ मिल जाएंगे, वो बिकते ही आपको आपके 1 करोड़ मिल जाएंगे। ये होता है सिक्योर्ड डिबेंचर्स, ठीक है। दीज आर डिबेंचर दैट आर सिक्योर्ड अगेंस्ट एन असेट और असेट्स, अगर एक नहीं, सर मेरी एक असेट है वो 50 लाख की है, पर डिबेंचर होल्डर्स को ज्यादा सिक्योरिटी चाहिए, हमने डिबेंचर होल्डर्स से 1 करोड़ रुपए लिए है, तो उनको असेट्स 1 करोड़ से ज्यादा की देनी पड़ेगी, 1 करोड़ की देके नहीं चलेगी, हमेशा याद रखो हमको उनसे 1.5 करोड़ की असेट लेनी पड़ेगी, गिरवी रखनी पड़ेगी। अगर हम डिबेंचर, इधर ध्यान दो, मैं डिबेंचर होल्डर हूं, मैं कंपनी को पैसे दे रहा हूं 1 लाख रुपए, तो मैं उनको बोलूंगा भैया तुम्हारी कोई भी असेट है 1 लाख रुपए से ज्यादा की असेट है ना, उस पे मेरा चार्ज क्रिएट करो, क्योंकि आज वो असेट अगर 1 लाख की है तो कल चल के 70,000 की हो जाएगी, 60,000 की हो जाएगी, समझा। यहाँ पे ऑलवेज याद रखो सिक्योरिटी के तौर पे ज्यादा बड़ी असेट ली जाती है, समझा यहाँ पे। सो दीज डिबेंचर्स, मैंने कल डिबेंचर्स को गलती से डिविडेंड बोला था, मैंने अपना लेक्चर देखा ठीक से, मैंने कल गलती से डिबेंचर को बाय मिस्टेक में डिविडेंड बोल रहा था, which is my mistake, this is completely wrong, समझा। मैं कल गलती से मेरे मुंह से डिविडेंड निकल रहा था, और मुझे बाद में समझा जब मैंने लेक्चर लिया कि मैं डिविडेंड बोल रहा हूं उसको डिवेंचर की जगह। नेक्स्ट, तो सिक्योर डिबेंचर मतलब क्या, आप कंपनी के पास गए, कंपनी को बोला ये ले 1 लाख रुपए डिबेंचर्स दे, कंपनी ने डिबेंचर्स दे दिए, कंपनी को आपने ये पूछा सिक्योरिटी क्या है, तो कंपनी ने बोला देखो हमारी जो मशीन है ना वो गिरवी रख लो आपके पास, लेके मत जाओ बेटा, चार्ज क्रिएट कर रहे हैं हम लोग, लेके मत जाओ। दिस मीन्स चार्ज इज क्रिएटेड ऑन सच अ सेट इन केस ऑफ डिफॉल्ट इन रीपेमेंट ऑफ डिबेंचर, अगर हम डिबेंचर रीपे नहीं कर पाए तो तुम्हारा इस असेट पे चार्ज क्रिएटेड है, जिस दिन भी तुम्हें पैसे नहीं दे पाए हम लोग, अगर ड्यू डेट आ गई रीपेमेंट की डेट आ गई और हम पे नहीं कर पाए, उस दिन आप ये असेट बेच, हम ये असेट बेच देंगे, उसमें से आने वाला पूरा पैसे में से आपके पैसे पहले देंगे। सो इन केस द कंपनी डज नॉट हैव इनफ फंड्स टू रीपे द डिबेंचर्स, ये असेट बेच के ये लोन रीपे किया जाएगा, समझा। कंपनी की असेट, ठीक है, ये है डिबेंचर होल्डर, ये है डिबेंचर होल्डर, ठीक है, ये कंपनी को दे रहा है 1 crore rupees, असेट की वैल्यू है 2 crore, कंपनी इस डिबेंचर होल्डर के साथ कॉन्ट्रैक्ट एंटर कर रही है, और उस कॉन्ट्रैक्ट में ये मेंशनड है, कॉन्ट्रैक्ट में मेंशनड है कि डिबेंचर्स हैव
अ चार्ज ऑन अबव असेट। इस कॉन्ट्रैक्ट में लिखा है कि डिबेंचर्स का इस असेट पे चार्ज है, ठीक है। अब बहुत साल हो गए, कंपनी ने बोला चलो डिबेंचर होल्डर को प्रॉमिस किया था 10 साल के बाद 1 करोड़ रिटर्न देंगे। कंपनी ने डिबेंचर होल्डर्स को प्रॉमिस किया था 10 इयर्स के बाद आपके 1 करोड़ रुपीज रिटर्न देंगे। 10 इयर्स हो गए, कंपनी के पास 1 करोड़ रुपया है ही नहीं, तो जिस असेट पे चार्ज क्रिएटेड था वो सेल आउट हो जाएगी। इसमें से सपोज 1.7 करोड़ रुपीज आए, इसमें से 1 करोड़ रुपीज और कुछ अगर इंटरेस्ट पेंडिंग होगा, इसमें से 1 करोड़ रुपीज इधर मिल जाएंगे और बचे हुए 70 लाख कंपनी खुद के पास रख सकती है। ये असेट बेच के आपको आपके पैसे दिए जाएंगे। अगर कम आ गए तो सर असेट बेच के 90 लाख ही आए, ठीक है। तो वैसे तो ये 90 लाख तो पूरे चले जाएंगे, प्लस बचा हुआ 10 लाख कहीं ना कहीं से डिबेंचर होल्डर्स आपसे लेंगे, बट अवेलेबल होगा तो ही, नहीं होगा तो उतना लॉस डिबेंचर होल्डर को, मतलब नहीं समझा सर। डिबेंचर होल्डर्स ने हमें 1 करोड़ रुपीज दे के रखे थे, ठीक है। हमने उनके उनका हमारी 2 करोड़ की असेट पे हमने क्या करके रखा था, क्रिएट अ चार्ज, ठीक है। जिस दिन रिपेमेंट का टाइम आया हमारे पास पैसे नहीं है, उस दिन ये असेट बेच के 90 लाख रुपए आए, पूरे 90 लाख इनको दे दो और 10 लाख के लिए इनको बोलो आप 10 लाख रुपए आपको तब मिलेंगे जब बाकियों को पेमेंट मिलेगी। अगर नहीं बचे कंपनी का 10 लाख रुपए तो हो गया नुकसान डिबेंचर होल्डर्स का, समझा। नेक्स्ट, द चार्ज मे बी फिक्स्ड, मतलब एक स्पेसिफिक असेट या फ्लोटिंग, मतलब ऑल असेट्स, ये भी याद रखना है। चार्ज मे बी फिक्स्ड, फिक्स चार्ज मतलब आप डिबेंचर होल्डर्स को क्लियरली बोल रहे हो कि आपका इस असेट के ऊपर चार्ज है, फ्लोटिंग मतलब आपका इस असेट के ऊपर चार्ज नहीं है। नेक्स्ट इज अनसिक्योर्ड, अनसिक्योर्ड और भी इजी, क्या बोल रहे हैं, दे आर नॉट सिक्योर्ड बाय एनी चार्ज अगेंस्ट द असेट्स ऑफ द कंपनी, नीदर फिक्स्ड नॉट फ्लोटिंग, सच काइंड ऑफ डिबेंचर्स आर नॉट इशूड बाय कंपनीज इन इंडिया, ऐसे डिबेंचर्स कंपनी इशू नहीं करती है। तो अगर मैं आपको पूछूं, वाह कलर बदल रहे, मेरे को मजा आ रहा है, अगर मैं आपको पूछूं कि डिबेंचर्स हमेशा कैसे होते हैं, डिबेंचर्स हमेशा ऐसे होते हैं, कैसे, डिबेंचर्स हमेशा सिक्योर्ड होते हैं। नेक्स्ट, रिडीमेबल, इरिडीमेबल, रिडीमेबल का मतलब हमने कल देख लिया था, आप जो पैसा दे रहे हो वो एक टाइम पीरियड के बाद आपको वापस मिल जाएगा। आप डिबेंचर होल्डर हो, आपसे हम पैसा ले रहे हैं, आप एक डिबेंचर होल्डर हो, मैं एक कंपनी हूँ, ठीक है। आप मुझे 1 लाख रुपए दे रहे हो, आप मुझे आज 1 लाख रुपए दे रहे हो, मैं आपको डिबेंचर दे रहा हूँ इस प्रॉमिस के साथ कि 15 साल के बाद, 10 साल के बाद, 8 साल के बाद, सपोज 8 साल मैंने आपसे 1 लाख लिए, आपको डिबेंचर दिए, मैंने बोला 8 साल के बाद ये डिबेंचर लेके आना, आपका 1 लाख रुपए लेके चले जाना, दैट इज रिडीमेबल। इरिडीमेबल मतलब क्या, मैं आपके पास आता हूँ, बोलता हूँ अरे डिबेंचर खरीदना प्लीज, लेना लेना डिबेंचर, मैंने आपने बोला अरे चलो इतना रिक्वेस्ट कर रहे हो दे दो यार डिबेंचर, मैंने बोला वेरी गुड, मैंने क्या किया, मैंने आपसे 1 लाख रुपए लिए, आपको डिबेंचर दिया, आप चले गए, आप दूसरे दिन पूछते हो सर डिबेंचर मतलब लोन ना, मैंने बोला हाँ, प्लीज शांति से सुना, आप मुझे 1 लाख रुपए दे के मेरा डिबेंचर लेके निकल गए, मतलब आपने मुझे लोन दिया है और उस लोन का प्रूफ है वो डिबेंचर। लोन का प्रूफ क्या है, डिबेंचर। ओनरशिप का प्रूफ होता है शेयर्स, लोन का प्रूफ है डिबेंचर, आपके पास डिबेंचर है, वेरी गुड। अब एक बात बताओ, आपने जो डिबेंचर का 1 लाख रुपए दिया है लोन के फॉर्म में दिया है, यस हाँ आपने मुझे लोन के फॉर्म में दिया है, तो कभी ना कभी तो लोन रीपे होता है ना। आपने मेरे को फोन करके पूछा सर इसके हमने जो 1 लाख रुपए दिया वापस कब मिलेंगे, मैंने बोला कभी नहीं, इरिडीमेबल सर धोखा है, मैंने बोला नहीं अपने कॉन्ट्रैक्ट में लिखा है, डिबेंचर पे भी पढ़ लो, इट इज इरिडीमेबल डिबेंचर, मतलब ये पैसा जो मैं आपसे ले रहा हूँ लोन के फॉर्म में ले रहा हूँ, मैं आपको ये 1 लाख कभी रिटर्न नहीं करूंगा, बट उस पे इंटरेस्ट हर साल देते रहूंगा, क्योंकि जब तक डिबेंचर आपके पास है और पैसा मेरे पास है मुझे इंटरेस्ट देते रहना पड़ेगा। सच डिबेंचर्स आर परपेचुअल इन नेचर, परपेचुअल फॉर एवर, आपका प्यार मम्मी पापा के लिए जो फॉर एवर होता है, समझा। देयर इज नो फिक्स्ड डेट एट व्हिच दे बिकम पेएबल, दे आर रिडीमेबल व्हेन द कंपनी ओनली व्हेन आवर कंपनी विल क्लोज। उस देखो हमारी कंपनी बंद हो रही तो सारी असेट्स पे हो जाएंगी, सारी असेट्स पे होने के बाद सारी लाइबिलिटीज पे करनी पड़ेगी, तो उसमें डिबेंचर होल्डर्स को भी पे कर दोगे। मतलब इरिडीमेबल डिबेंचर्स ऐसे होते हैं, इरिडीमेबल डिबेंचर्स ऐसे होते हैं जो कभी जनरली आपको डिबेंचर देते वक्त और आपसे पैसे लेते वक्त आपको ये नहीं बोला जाएगा कि रिडीम कब होने वाला है, समझाया यहाँ पे, आपको बोला जाएगा सर ये लो डिबेंचर, वो दो पैसे, आप 1 लाख दो, 1 लाख का डिबेंचर लो, इंटरेस्ट लेते रहना, 1 लाख मांगने मत आना, समझाया यहाँ पे। बट जिस दिन कंपनी बंद हो जाएगी उस दिन तो देना ही पड़ेगा,
क्योंकि कंपनी बंद हो रही है, आपको इंटरेस्ट कौन देगा, उस डिबेंचर की वैल्यू क्या है, हैसियत ही नहीं है। कंपनी बंद हो गई, हम बोलेंगे देखो सर रुको, हमने सारी असेट्स बेच दी है, अब आपकी जो असेट सिक्योरिटी के फ्लोर पे थी वो भी बिक गई, उससे आया हुआ पैसा ले लो आप, समझा। तो इरिडीमेबल में कोई डेट नहीं दी होती है, समझा। दे आर रिडीमेबल ओनली व्हेन कंपनी गोज इनटू लिक्विडेशन और दे कैन बी रिडीमेबल आफ्टर अ स्पेसिफाइड लॉन्ग इंटरवल। 25 साल के बाद रिडीम करेंगे, 30 साल के बाद रिडीम करेंगे, बेटा जिंदगी खत्म हो जाती है लोगों की इतने टाइम में। क्योंकि देखो डिवेंचर मैंने 25 की उम्र में खरीदा, मैं 25 ईयर्स का था तब मैंने डिवेंचर खरीदा, कंपनी ने बोला 30 ईयर्स के बाद रिडीम करेंगे, मतलब मैं 55 का 55 का होऊंगा तब ये पैसे मिलेंगे, क्या करूं तब उसका, तो मेरे लिए एज गुड एज ये कभी वापस मिले ही नहीं है, समझा। सो इरिडीमेबल क्या होता है, एक तो डेट नहीं दी होती है, समझा, या फिर बहुत लॉन्ग पीरियड ऑफ इंटरवल दिया है, वो भी अनस्पेसिफाइड है। 30-35 सालों के बाद आपको पैसे मिल जाएंगे, 30-35 अनस्पेसिफाइड है और लॉन्ग टर्म इंटरवल है, तो हम बोलेंगे डेज इरिडीमेबल। ये सिर्फ एक केस में पक्का रिडीम होंगे, व्हेन द कंपनी गोज इनटू लिक्विडेशन, कंपनी बंद हो रही है तब तो आपके पैसे लेके जाएगी ना। फुल्ली कन्वर्टिबल पार्टली कन्वर्टिबल, भाई सच, मैंने आपको ₹100 का डिबेंचर दिया, मैंने आपको एक डिबेंचर दिया जिसकी फेस वैल्यू है ₹100, आपने कितने में खरीदा मैटर नहीं करता, मैंने बोला आफ्टर सम टाइम आफ्टर सम ईयर्स, मैंने ये सम स्पेसिफाई किया से 3 ईयर्स, मैंने आपको बोला 3 साल के बाद आपको एक ऑप्शन देंगे हम, वन डिबेंचर को आप 4 शेयर्स में कन्वर्ट करो और ₹60 वापस लेके जाओ, ₹100 ना, शेयर की फेस वैल्यू ₹10, शेयर की फेस वैल्यू ₹10, इसका मतलब ये जो एक डिबेंचर ₹100 का है, इसका जो कुछ पार्ट है, कौन सा पार्ट, ये वाला पार्ट, इसका जो कुछ पार्ट है वो शेयर में कन्वर्ट हो सकता है, तो इट इज पार्टली कन्वर्टेबल, समझा, इसका कुछ पार्ट शेयर में कन्वर्ट हो सकता है तो पार्टली कन्वर्टेबल। ये डिबेंचर आप, मैंने आपको बोला 3 साल के बाद आना, एक डिबेंचर के बदले में 10 शेयर्स ऑफ फेस वैल्यू 10 ईच लेके जाना, ₹100 के शेयर के बदले में आपको 100 रुपए के डिबेंचर के बदले में आपको 10 शेयर्स मिल रहे हैं। अगेन दिस इज व्हाट, दिस इज फुल्ली कन्वर्टेबल डिबेंचर्स। तो डिबेंचर्स कन्वर्टेबल होते हैं, मतलब आपको एक ऑप्शन दिया जाता है कि इन डिबेंचर्स को फ्यूचर में आप कन्वर्ट कर सकते हो इंटू व्हाट, इंटू शेयर्स, आपको ऑप्शन दिया जाएगा, समझा। द डिबेंचर्स आर गिवन ऑप्शन टू पार्शली कन्वर्ट देयर शेयर्स, इफ ही ऑप्ट फॉर कन्वर्जन ही विल बी बोथ क्रेडिटर। अब सर पार्शली कन्वर्ट करने के बाद वो क्या हो जाएगा ये भी ध्यान दो, ठीक है, आप ए जो है, ठीक है, ए ने वन डिबेंचर बाय किया, ठीक है, जिसकी फेस वैल्यू है 100, ठीक है, तो ए ने कंपनी को ₹100 दे दिए, कंपनी ने बोला ए तेरे को ऑप्शन है 5 साल के बाद तू इनमें से ₹40 को 4 शेयर्स में कन्वर्ट कर सकता है, ओके, तो ए के ऑप्शन दिया कि ₹40 के 4 शेयर्स लेके चले जा ऑफ 10 फेस वैल्यू ईच और ₹60 हमारे पास ही रहने दे, मतलब ₹100 का एक डिबेंचर हैज नाउ कन्वर्टेड टू ₹60 का डिबेंचर एंड ₹40 के शेयर्स, तो आपके पास अब 4 शेयर्स है और एक डिबेंचर है ₹60 वाला, इंटरेस्ट कम हो जाएगा, जब फेस वैल्यू 100 थी और रेट ऑफ इंटरेस्ट 10% था तब आपको ₹10 इंटरेस्ट मिलता था, अगर आप इसमें से ₹40 शेयर्स में कन्वर्ट कर देते हो तो आपका सिर्फ ₹60 का लोन बचा है कंपनी के पास, ₹60 पे 10% ₹6 ही इंटरेस्ट मिलेगा, ₹6 इंटरेस्ट मिलेगा और इन 4 शेयर्स पे डिविडेंड भी मिलेगा, तो आप एक ओनर प्लस क्रेडिटर आप दोनों भी हो, इस कंपनी के आप मालिक भी हो और इस कंपनी को आपने लोन भी दे के रखा है, सो आप क्रेडिटर भी हो, समझा। नॉन कन्वर्टेबल फुल्ली, मतलब अच्छा सॉरी फुल्ली रह गया था, दीज शेयर्स कैन बी कन्वर्टेड इनटू इक्विटी शेयर्स आर द ऑप्शन ऑफ द डिबेंचर होल्डर इफ ही विशेस आफ्टर अ स्पेसिफाइड टाइम ऑल शेयर्स, सॉरी यार डिबेंचर्स होना चाहिए था, ऑल डिबेंचर्स प्लीज वहां पे डिबेंचर करो, और इन्होंने कन्वर्टेबल प्रेफरेंस शेयर का दे दिया उधर, ऑल डिबेंचर्स will be converted into equity shares और आप पूरी तरह से शेयर होल्डर बन जाओगे। पार्टली में आपको जितना पार्ट शेयर्स मिला उतने के लिए आप शेयर होल्डर, बचे हुए पार्ट के लिए आप क्रेडिटर। नॉन कन्वर्टेबल में आपको ऐसा कोई ऑप्शन नहीं मिलता, आज एक डिबेंचर लेके जाओ, रिडेम्पशन जिस दिन रिडेम्पशन होगा उस दिन डिबेंचर वापस दो, पैसे लो, घर चले जाओ, समझा। यहाँ पे दीज डिबेंचर विल रिमेन सो टिल मैच्योरिटी, कोई कन्वर्जन नहीं है, दीज आर द मोस्ट कॉमन टाइप्स ऑफ डिबेंचर्स, तो जनरली डिबेंचर नॉन कन्वर्टेबल ही होते हैं।
समझा यहाँ पे, बेरर डिबेंचर रजिस्टर्ड डिबेंचर, ये समझ जाओ बहुत इंपॉर्टेंट सी चीज है। ये है कंपनी और ये है डिबेंचर होल्डर, ये है कंपनी और डिबेंचर होल्डर। डिबेंचर होल्डर का नाम है मिस्टर एम। मिस्टर एम ने कंपनी को 1,00,000 रुपीज दिए और कंपनी ने मिस्टर एम को 1,00,000 फेस वैल्यू के डिबेंचर्स दे दिए। यहाँ तक समझा? यस, आई होप आपको समझ गया। तो इसकी वजह से मिस्टर एम क्या है, मिस्टर एम एक क्रेडिटर है इस कंपनी के। समझा यहाँ पे? तो लोन हमेशा किसको, तो क्या बोलते हैं उसको, तो कंपनी मिस्टर एम को क्या देते रहेगी, इंटरेस्ट देते रहेगी। कंपनी मिस्टर एम को हमेशा क्या देते रहेगी, इंटरेस्ट देते रहेगी। यस और नो? पक्का? तो एम इज द क्रेडिटर। एम क्या बोलता है कंपनी को, प्लीज ध्यान दो, एम कंपनी को बोलता है सर देखो मैंने आज आपको 1,00,000 रुपए दे दिए, यस, उसके बदले में आपने मुझे डिबेंचर्स दे दिए, उसके बदले में आपने मुझे डिबेंचर्स दे दिए। कंपनी ने बोला यस। ये जो डिबेंचर सर्टिफिकेट है ना, डिबेंचर सर्टिफिकेट, उस पर लिख दो कि ये बेरर डिबेंचर है। सर बेरर डिबेंचर मतलब एम ने कंपनी को बोला कि डिबेंचर के सर्टिफिकेट पे लिख दो कि ये बेरर है। सर बेरर मतलब जिसके हाथ में ये डिबेंचर है उसका, मेरा नाम मत लिखो इस पे। एम ने डिबेंचर तो ले लिया, एम ने एक मस्त पे की डिबेंचर सर्टिफिकेट ले लिया जिसमें सब लिखा है कि 1,00,000 के डिबेंचर्स है, कंपनी का नाम है, बट यहां पे नो नेम, एम का नाम लिखा ही नहीं। यहां पे लिखा दिस डिबेंचर बिलोंग्स टू, दिस डिबेंचर सर्टिफिकेट बिलोंग्स टू, दिस डिबेंचर सर्टिफिकेट बिलोंग्स टू द बेरर। बेटा बेरर मतलब जो इसे होल्ड करता है, जिसके भी हाथ में ये बिलोंग्स टू बेरर, ठीक है, ऐसा लिखा है इसके ऊपर। अब ध्यान दो, एम के पास एक डिबेंचर सर्टिफिकेट है जिसपे लिखा है कि जिसके हाथ में ये सर्टिफिकेट है उसका। एम अपना मस्त बैठा था, टाइम पास कर रहा था, मैंने उसके बैग से सर्टिफिकेट निकाला, अब ये सर्टिफिकेट मेरे हाथ में है, ठीक है। ये सर्टिफिकेट लेके मैं कंपनी में गया, कंपनी को बोला ये आज इंटरेस्ट दे रहे हो ना तुम लोग डिबेंचर का, कंपनी ने बोला हाँ, मैंने बोला दो, ये देखो मेरे पास डिबेंचर है। कंपनी मेरे को ये तक नहीं पूछेगी कि तूने किससे खरीदा, कैसे खरीदा, कंपनी में मिलेगी सर्टिफिकेट पे क्या लिखा है कि ये डिबेंचर बेरर डिबेंचर है, ये डिबेंचर का हिस्सा डिबेंचर है, ये डिबेंचर बेरर डिबेंचर है। बेरर का मतलब होता है हु बेरर, बेर करना मतलब, हिंदी वाला बेर करना है झगड़ा, इंग्लिश वाला बेर करना है टू कैरी, समझा। कंपनी बोलेगी जो भी इसको लेके आएगा उसको इंटरेस्ट मिल जाएगा। सर नुकसान है ना इसमें? बेटा यस, आपको लग रहा है कि इसमें नुकसान है, बट इसमें एक फायदा भी जरूर देखो। इसमें नुकसान बहुत बड़ा है कि अगर ये चोरी हो गया तो आपको इमीडिएटली कंपनी को इन्फॉर्म करना पड़ेगा कि भैया मेरा डिबेंचर सर्टिफिकेट ये नंबर वाला चोरी हो गया है। फिर वो बोलेंगे तू सच्ची बोल रहा है, इसका क्या प्रूफ? तो आप बोलोगे देखो सर मेरा डॉक्यूमेंट, मेरा आधार कार्ड देखो, यही बंदा है मैं, मैंने आपसे पैसे देखो, और एक प्रूफ देता हूं कि आपसे जब ये डिबेंचर मैंने खरीदा था तो आपको पैसे दिए थे, उस पैसे की रिसीट आपने मुझे दी है, मेरे पास रिसीट है। तो कंपनी बोलेगी ओके सर, हम मान लेते हैं कि आपका ये, हम उस डिबेंचर को कैंसिल करके आपको एक नया सर्टिफिकेट दे देंगे। ये इतना सब तमाशा करना पड़ेगा अगर डिबेंचर चोरी हुआ तो। बट एक बात समझो, इसका फायदा क्या है, मैंने कंपनी को 1,00,000 रुपए दिए, कंपनी से एक डिबेंचर सर्टिफिकेट लिया, उस सर्टिफिकेट पे लिखा कि सर्टिफिकेट बेरर है। बेरर है मतलब क्या, ये सर्टिफिकेट जिसपे हाथ में उसका, ठीक है। अब मेरे को अचानक से 1,00,000 रुपए की जरूरत पड़ी, मैं मेरे दोस्त के पास गया, बोला यार मेरे को 1,00,000 रुपए देना, उसने बोला यार कुछ तो गिरवी रख, मैंने बोला ये ले डिबेंचर सर्टिफिकेट, मेरे 1,00,000 रुपए उधर जमा है, तब तक तुझे ब्याज मिल जाएगा, और अगर मैं 1,00,000 रुपए तुझे नहीं दे पाया, ये सर्टिफिकेट कंपनी के पास लेके जा, तुझे तेरे 1,00,000 रुपए कंपनी दे देगी रिडेम्पशन वाले दिन। सो ट्राई एंड अंडरस्टैंड व्हाट आई एम ट्राइंग टू से इज, बेरर का फायदा ये है कि इसे ट्रांसफर करना आसान है। मेरे पास है, मुझे किसी और को बेच के 1,00,000 रुपए चाहिए, मैं उसको दे दूंगा, 1,00,000 ले लूंगा, बस उसके हाथ में दे दिया, ये उसका हो गया, फिर उसके चोरी हो जाओ, कुछ भी हो जाओ, मुझे कोई लेना देना नहीं है। समझा कि नहीं? ऐसे तो किसी को भी मिलेगा, यस ऐसे तो किसी, बेरर का वही सीन होता है, बेरर पे किसी को भी पैसे मिल सकते हैं, इसीलिए आपके घर वाले कभी भी आपको बेरर चेक देते नहीं है, क्रॉस्ड चेक देते हैं। हालांकि बेरर और क्रॉस का मतलब अलग अलग होता है, बट अपने कॉमन लैंग्वेज में बेरर और क्रॉस अपोजिट होते हैं। यहां तक समझा? बेरर का बेनिफिट देखा, बेरर का बेनिफिट यह है कि इसे ट्रांसफर करना बहुत आसान है, सिर्फ किसी को, जिसको भी बेचना है उससे पैसे लो, सर्टिफिकेट हैंड ओवर करो, उसका हो गया, ठीक है। बट अतुल बोल रहे नहीं सर मुझे सेफ्टी चाहिए, ठीक है, तो सेफ्टी चाहिए तो कंपनी के पास जाओ, इस पे लिख के लाओ दिस डिबेंचर सर्टिफिकेट बिलोंग्स टू, दिस डिबेंचर सर्टिफिकेट बिलोंग्स टू
मिस्टर ए, और इस पे कंपनी का सील भी आ गया, और कंपनी अपने रजिस्टर में, कंपनी अपने डिबेंचर होल्डर की रजिस्टर में, यहां पे डिबेंचर नंबर, इस सर्टिफिकेट का नंबर होगा, सर्टिफिकेट का नंबर है 123 और इसने खरीदे 5000 डिबेंचर्स, ठीक है। कंपनी अपने रजिस्टर में इसकी एंट्री पास कर लेगी कि सर्टिफिकेट नंबर 123 दिया है ए को, 5000 डिबेंचर्स, ऐसा, दैट इज कॉल्ड एज अ रजिस्टर्ड डिबेंचर। अब क्या हुआ, अब ए के पास से ये खो गया, ए के पास से खो गया, मुझे मिला, मैं लेके चला गया कंपनी के पास, बोला मैं ए है, इंटरेस्ट दो इस पे, या रिडेम्पशन के वक्त मैंने बोला दो इसके पैसे मेरे को, कंपनी बोलेगी तू ए है, मैं बोलूंगा हाँ, प्रूफ दिखा, मेरे पास प्रूफ है, नहीं है, झूठा भी दिखाया तो भी नहीं चलेगा, क्योंकि कंपनी जब मेरे नाम पे रजिस्टर करे तो कंपनी मेरे डॉक्यूमेंट्स भी लेती है, तो कंपनी सब कुछ जानती है मेरे बारे में, समझा रजिस्टर्ड और बेरर में का फर्क। अब रजिस्टर्ड में एक इशू है, फिर ये डिबेंचर है जो कि रजिस्टर्ड है मिस्टर ए के नाम पे, मिस्टर ए बैठा है किधर तो भी पूरे इंडिया में, मिस्टर ए किधर तो भी इंडिया में बैठा है, कंपनी का रजिस्टर्ड ऑफिस है कोलकाता में, कंपनी का रजिस्टर्ड ऑफिस है कोलकाता में, मिस्टर ए बैठा है नीचे कर्नाटका में, तमिलनाडु में, मिस्टर ए तमिलनाडु में जाके बैठा है, और उस जमाने की बात कर रहा हूं या किसी भी जमाने का, सर्टिफिकेट हाथ में है उसके, मिस्टर ए को पैसों की जरूरत है, 1,00,000 रुपए के डिबेंचर्स है, मिस्टर ए को पैसों की जरूरत है, मिस्टर ए बी के पास जाता है, मिस्टर ए बी के पास जाता है, बोलता है देख मेरे को 1,00,000 रुपए दे, ये डिबेंचर सर्टिफिकेट रख ले, बी बोलेगा भैया ये डिबेंचर सर्टिफिकेट रख के भी मेरा नहीं होने वाला, मैं इस पे कंपनी को पैसे मांगने जाऊंगा, कंपनी इस पे मुझे इंटरेस्ट भी नहीं पे करेगी, क्योंकि कंपनी बोलेगी आईडी प्रूफ दिखाओ, मैं आईडी प्रूफ दिखाऊंगा, मेरा आईडी प्रूफ बी का है, कंपनी बोलेगी डिबेंचर ए के नाम पे है, हम ए को ही पैसा देंगे, तो बी को इसका कुछ फायदा नहीं हो रहा है। तो अब ए को क्या करना पड़ेगा पता है क्या, ए को ये सर्टिफिकेट कंपनी को भेजना पड़ेगा, प्लस उस पे उसके साथ एक लेटर भेजना पड़ेगा कि मैंने ये डिबेंचर्स भेज दिए बी को, बी को रजिस्टर कर दो, बी भी अपना कंसेंट भेजेगा, फिर कंपनी अपने रजिस्टर में से ए का नाम हटाएगी, कंपनी के पास जो डिबेंचर रजिस्टर था उसमें ए था, ए का नाम हटाएगी, वहां पे बी का नाम डालेगी, बी के नाम का न्यू सर्टिफिकेट प्रिंट करेगी, बी के नाम का क्या प्रिंट करेगी, न्यू सर्टिफिकेट प्रिंट करेगी, और फिर बी को भेजेगी, इसमें ऐसा समझ लो एक महीना चला गया, जब तक बी के नाम पे शेयर्स होते डिबेंचर्स होते नहीं, बी उसको एग्री नहीं करेगा, बी 1,00,000 रुपए देगा नहीं, समझा, तो इसमें एक महीना चला गया। तो ये एक प्रॉब्लम है रजिस्टर्ड डिबेंचर्स का कि इन्हें ट्रांसफर करना है, जब भी आप एक रजिस्टर्ड डिबेंचर बेचना चाहते हो आपको कंपनी को इन्फॉर्म करना पड़ेगा कि सर हमने डिबेंचर इस इंसान को बेच दिया है, प्लीज उसके नाम पे इसको रजिस्टर कर दो। चलो आगे बढ़े, आई होप सब कुछ समझा है। ओके, आई होप बेरर और रजिस्टर्ड दोनों समझ गया। बेरर में लिखा है कि ये उसको पेबल है जो बेरर है, बेरर मतलब मीनिंग लिख लो हु होल्ड्स इट, किसके नाम पे मैटर ही नहीं करता बेरर में, हु होल्ड्स इट, समझा। दीज कैन बी ट्रांसफर्ड मियरली बाय डिलीवरी, मैंने वही समझाया, मेरे पास एक बेरर डिबेंचर है, मैं आपको देना चाहता हूं, मैंने बोला 1,00,000 रुपए दे डिबेंचर ले ले, आपने 1,00,000 दिया, मैंने डिबेंचर आपको डिलीवर किया, हाथ में दिया बेटा, हाथ में देते आपको डिलीवर हो गया, खत्म ही डिबेंचर आपका, इंटरेस्ट उसको दिया जाएगा। देखो इस डिबेंचर के साथ है ना, ये जो बेरर डिबेंचर होता है, बेरर, सपोज हमने आपको दिया है 10 इयर्स के लिए, 10 इयर्स के लिए दिया है ये डिबेंचर, मैंने आपको ये 10 इयर्स के लिए दिया, एवरी ईयर आपको इंटरेस्ट मिलेगा ऑन 1st of April, चलो ऐसा नहीं करते, आपको हर साल 31st of March को इंटरेस्ट मिलेगा इस पे, ठीक है। तो अब क्या होता है ना, इसके साथ है ना ऐसे 10 कूपन लग के आते हैं डेट के साथ, ऐसे 10 कूपन लग के आएंगे डेट के साथ, फर्स्ट डेट का कूपन फाड़ने का, कंपनी के पास लेके जाने का, कंपनी इंटरेस्ट दे देगी, सेकंड डेट का कूपन फाड़ने का, जब तक वो डेट नहीं आती वो कूपन का कोई वैल्यू नहीं है, तो बेरर के साथ कूपन लग के आते हैं, क्योंकि देखो बेरर है, मैं कंपनी हूं, मैंने ये किसको दिया है, मेरे को खुद को मैंने रिकॉर्ड मेंटेन नहीं किया, मैंने किसी का नाम तक नहीं लिखा है उस पे, समझा कि नहीं समझा। तो क्या बार बार उसको सर्टिफिकेट लेके आने को बोलूं, नहीं, मैं उसके साथ कूपन अटैच करके दे दूंगा उसको, इंटरेस्ट कूपन, इसके साथ क्या लगता है, इंटरेस्ट कूपन लग के आएगा। तो आप अगर आपके पास अगर एक बेरर डिबेंचर है उसके साथ इंटरेस्ट कूपन लग के आया है, ये इंटरेस्ट कूपन फाड़ने का, कंपनी के पास लेके जाने का, कंपनी आपको ब्याज दे देगी, रजिस्टर्ड में ऐसा टेंशन ही नहीं लेने का, कंपनी को पता है ये डिबेंचर किसके पास है, कंपनी उसको डिबेंचर का इंटरेस्ट पहुंचा देगी। दीज आर पे डिबेंचर्स आर दोज व्हिच आर पेएबल टू द पर्सन हु अपीयर इन द रजिस्टर ऑफ डिबेंचर होल्डर्स, रजिस्टर डिबेंचर वो है जिनका नाम रजिस्टर ऑफ डिबेंचर होल्डर्स में आता है,
दीज कैन बी ट्रांसफर ओनली बाय एग्जीक्यूटिंग ट्रांसफर डीड। मेरे पास एक रजिस्टर्ड डिबेंचर है, 1,00,000 रुपए का डिबेंचर सर्टिफिकेट है जिसपे कल्पक सर का नाम लिखा है। कल्पक सर ये वंशिका को ट्रांसफर करना चाहता है, तो कल्पक सर को एक ट्रांसफर डीड बनानी पड़ेगी, उस पर लिखना पड़ेगा मैं वंशिका को ट्रांसफर करना चाहता हूँ, ब्ला ब्ला सारी डिटेल्स भरो, उसके साथ डिबेंचर सर्टिफिकेट लगाओ, कंपनी को भेजो। कंपनी फिर सारा वेरीफाई करेगी, फिर नया सर्टिफिकेट छाप के वंशिका के एड्रेस पे भेज देगी। और इंटरेस्ट इसमें सिर्फ मुझे ही मिलेगा जब तक वो मेरे नाम पे है, मैंने वंशिका के नाम पे ट्रांसफर कर दिया, फिर वो वंशिका को मिलेगा। फाइनेंशियल असिस्टेंस सिनेरियो फॉर स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस, ठीक है। तो ये थे डिबेंचर्स, सारे के सारे डिबेंचर्स हो गए हमारे। तो चलो आज ये लास्ट पार्ट खत्म करते हैं, इसके बाद हमें बैंक्स देखना है। बैंक्स एक इंपॉर्टेंट पार्ट है बेटा, फाइनेंशियल असिस्टेंस सिनेरियो फॉर स्मॉल मीडियम एंटरप्राइजेस एंड स्टार्टअप्स। हमारे कंट्री में स्मॉल और मीडियम एंटरप्राइजेस को बहुत ज्यादा प्रेफरेंस दिया जाता है। हमारी कंट्री स्मॉल और मीडियम एंटरप्राइजेस को बहुत प्रेफरेंस देती है क्योंकि सबसे ज्यादा एम्प्लॉयमेंट यही सेक्टर जनरेट करता है। आप गौर से देखो, आपके पहचान में से कितने ऐसे लोग हैं जो छोटी मोटी या यू नो नॉर्मल बिजनेसेस में जॉब करते हैं, किसी आजू बाजू के शोरूम में, आजू बाजू के ऑफिस में, आजू बाजू के शॉप्स में, समझा। मल्टीनेशनल कंपनीज जो होती है, मल्टीनेशनल कंपनीज जो लार्ज स्केल कंपनीज होती है, इसमें बहुत कम लोग काम करते हैं। ऐसे ही आप रस्ते पे घूमने निकलो तो देखो हर कोई इंसान छोटे मोटे बिजनेस में लगा हुआ है, समझा। यहाँ पे तो छोटे मोटे बिजनेस सबसे ज्यादा एम्प्लॉयमेंट जनरेट करते हैं और इन्हें प्रमोट करना जरूरी है। प्रॉब्लम क्या पता है क्या, इनको कोई फाइनेंशियल असिस्टेंस देता नहीं, कोई भी बैंक इनको लोन देने के पहले डरता है क्योंकि छोटे बिजनेसेस है, कभी भी बंद पड़ सकते हैं। बेटा इतने सारे छोटे बिजनेसेस है, जितने स्पीड से खुलते हैं उसमें से कई सारे उतनी स्पीड से बंद भी हो जाते हैं, तो बैंक का नुकसान हो जाएगा। तो इनको फाइनेंशियल असिस्टेंस बहुत, असिस्टेंस मतलब फाइनेंशियल हेल्प, छोटी या मोटी कंपनीज को, स्मॉल एंड मीडियम कंपनीज को कोई फाइनेंशियल हेल्प करता नहीं था। हमारे देश ने बोला इसके लिए हमें कुछ तो करना पड़ेगा, तो हमने क्या किया, देर आर वेरियस स्कीम्स लॉन्च बाय मिनिस्ट्री ऑफ माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस। हमने उसके लिए पहले तो एक मिनिस्ट्री बनाई, ये मिनिस्ट्री ध्यान देती है कि माइक्रो स्मॉल और मीडियम एंटरप्राइजेस को डेवलप करने के लिए क्या क्या करना चाहिए। एंड देखो बहुत फर्क होता है, एक बड़ी सी कंपनी अगर हमारी सिटी में आ रही है ना तो उसको रोड चाहिए, एजुकेटेड लोग चाहिए, उसको ये चाहिए वो चाहिए, बहुत कुछ चाहिए। एक छोटा बिजनेसमैन को कुछ अलग चीजें चाहिए होती है। छोटे बिजनेसमैन को तो ये भी नहीं पता होता है कि सर मेरे को मेरा प्रोडक्ट बेचने के लिए गाड़ी किधर मिलेगा जिससे मैं अपना माल उधर भेजू, क्या मार्केट में, मेरे को मेरा माल मार्केट में भेजने गए कैसे भेजू, ये तक नहीं पता होता छोटे बिजनेसमैन को, समझा। तो एक छोटा जो बिजनेसमैन है और एक लार्ज एंटरप्राइज है, इनकी दोनों की नीड्स अलग अलग होती है। एक छोटा बिजनेसमैन और एक लार्ज एंटरप्राइज की नीड्स अलग अलग होती है। लार्ज एंटरप्राइजेस के लिए हमारे पास मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स है, तो ये जो स्मॉल मीडियम ये वाले है इनके लिए हमने एक अलग मिनिस्टरी बना दिया। इसको बोला भैया छोटे वालों के प्रॉब्लम तू समझ और तू स्मॉल सॉल्व कर, माइक्रो मतलब एकदम ही घरेलू बिजनेसेस। एंड गवर्नमेंट ऑफ इंडिया फॉर प्रोवाइडिंग फाइनेंशियल असिस्टेंस टू SME सेक्टर, स्मॉल मीडियम एंटरप्राइजेस, SME स्मॉल मीडियम एंटरप्राइजेस, माइक्रो नहीं आता बट ठीक है SME में माइक्रो भी आ जाता है। हाउएवर इन दिस सेक्शन हम सिर्फ कुछ ही स्कीम्स के बारे में देखेंगे। पहला स्कीम स्फूर्ति, स्फूर्ति का मतलब होता है एंथुजियाज्म, यही इसका फुल फॉर्म याद रखना है, स्कीम ऑफ फंड फॉर रीजनरेशन ऑफ ट्रेडिशनल इंडस्ट्रीज, स्कीम ऑफ फंड्स, एक ऐसी स्कीम है जिसमें जो फंड जमा होगा वो ट्रेडिशनल इंडस्ट्रीज को रीजनरेट करने के लिए होगा। बेटा ट्रेडिशनल इंडस्ट्रीज मतलब जो मेन इंडस्ट्रीज हमारे पास पहले से थी, जिनके लिए ब्रिटिशर्स इंडिया आए थे। बच्चों एक जमाना था जब ब्रिटिशर्स इंडिया में आए थे तो इंडिया में जो कॉटन बनता था वो पूरे वर्ल्ड में फाइनेस्ट था, वर्ल्ड्स फाइनेस्ट, हमने नहीं बोला है, ब्रिटिशर्स ने खुद बोला है, क्योंकि हम पूरी दुनिया नहीं घूम के आए थे, ब्रिटिशर्स पूरी दुनिया घूम के आए और यहाँ पे जो कॉटन क्लॉथ उन्हें दिखा, हमारे जो जो वर्कर थे या फिर हमारे जो क्राफ्ट्समैन थे, इन्हें क्राफ्ट्समैन बोल सकते हैं या क्या बोल सकते हैं मुझे नहीं पता, ये हाथों से इतना ब्यूटीफुल कॉटन बनाते थे, इतना स्मूथ कॉटन बनाते थे, 200 सालों में ब्रिटिशर्स ने उसे पूरा डिस्ट्रॉय कर दिया और आज इंडिया का कॉटन का कपड़ा इतना अच्छा नहीं होता। हम रॉ कॉटन बनाते हैं, यान मतलब कॉटन का पूरा बंडल बनाते हैं, कॉटन को थ्रेड में कन्वर्ट करके बंडल बना के अब्रॉड बेचते हैं, वहाँ पे रेडीमेड गारमेंट्स बन के आते हैं, समझा, यहाँ पे वहाँ पे कपड़ा बनता है। तो ये जो ट्रेडिशनल इंडस्ट्रीज थी इन्हें डेवलप करने के लिए पैसा लगेगा और उस पैसे के लिए गवर्नमेंट ने एक फंड बनाया, गवर्नमेंट ने बोला हम इस फंड में पैसा डालेंगे और ये फंड ट्रेडिशनल इंडस्ट्रीज को प्रमोट करेगा। बैंक्स नहीं कर रही थी, अगर कोई बैंक के पास ट्रेडिशनल इंडस्ट्रीज लेके जाएगा
बैंक बोलेगी मेरे को बैंक सॉरी मैं एक ट्रेडिशनल इंडस्ट्री चलाता हूँ, मैं बैंक के पास जाके बोला मेरे को लोन दो फॉर दिस ट्रेडिशनल, बैंक बोलेगी भैया इसका फ्यूचर खतरे में, तेरे को लोन देंगे तेरा प्रॉफिट नहीं हुआ तो तू हमारा तो वाट लग जाएगा। सो स्कीम फॉर रीजनरेशन ऑफ ट्रेडिशनल इंडस्ट्रीज दैट इज स्फूर्ति ऑब्जेक्टिव इज टू ऑर्गेनाइज द ट्रेडिशनल इंडस्ट्रीज एंड आर्टिजन सॉरी क्राफ्ट्समैन नहीं आर्टिजन इन टू क्लस्टर्स, छोटे छोटे आर्टिजन्स को एक साथ लाओ और एक साथ लाके एक हब बनाओ छोटा और उन सबको वहां पे काम करने लगाओ। इससे बेनिफिट क्या होता है, देखो ये 100 आर्टिजन्स है अपने अपने घरों पे काम कर रहे हैं, ठीक है, तो इनको जो जो चीज़ें चाहिए वो बहुत मुश्किल से मिलती है, इनको छोटा सा रॉ मटेरियल भी खरीदना है तो मार्केट जाना पड़ रहा है। यही 100 लोग अगर एक क्लस्टर बना के एक साथ आ गए 100 के 100 लोग, तो इनको जो रॉ मटेरियल चाहिए ना वो सप्लायर भी बाजू में आके दुकान खोल देगा, समझा क्या, और इनको जो भी सपोर्ट चाहिए ट्रांसपोर्टर, अब अगर 100 लोग एक साथ आ गए तो ट्रांसपोर्टर को भी परवड़ता है, ट्रांसपोर्टर बोलता है दीदी यार हम एक ट्रक बड़ा लेके आएंगे आपके माल के साथ साथ हमें और 15 लोगों का माल भी लेके जाने मिलता है, हमारा ट्रक फुल होके चला जाता है, समझा, सबको बेनिफिट होता है। टू मेक देम कॉम्पिटेटिव एंड प्रोवाइड सपोर्ट फॉर देयर लॉन्ग टर्म सस्टेनेबिलिटी सस्टेन्ड एम्प्लॉयमेंट एनहांस मार्केटेबिलिटी ऑफ प्रोडक्ट्स एक्सेट्रा एक्सेट्रा। ऑल्सो इसमें एक और चीज होगा, टू इक्विप देम विद इंप्रूव्ड स्किल्स, ट्रेडिशनल इंडस्ट्रीज में अब उनका स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम पे भी खर्चा करेगी गवर्नमेंट, गवर्नमेंट बोल रही है कि हम आपके स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम पे भी खर्चा करेंगे, आपको ट्रेनिंग देंगे, कॉमन फैसिलिटीज देंगे, जैसे आपको सबको मिलके कॉमन जो भी फैसिलिटी चाहिए, कॉमन ट्रांसपोर्टेशन चाहिए वो दे देंगे, कॉमन कम्युनिकेशन फैसिलिटीज जो भी चाहिए हम आपको दे देंगे, कॉमन मार्केट चाहिए आपको तो हम मार्केट भी प्रोवाइड करके दे देंगे आपके लिए, ठीक है। इंप्रूव टूल्स इक्विपमेंट स्ट्रेंथन द क्लस्टर गवर्नेंस सिस्टम, क्लस्टर को मैनेज भी करना पड़ता है, 100 आर्टिजन एक साथ आ रहे हैं 150 आर्टिजन एक साथ आ रहे हैं तो उनमें झगड़े हो सकते हैं उनमें इश्यूज हो सकते हैं, तो उनको मैनेज करने के लिए कमिटी बनाओ ट्रस्ट बनाओ कुछ ना कुछ करो, एंड विद द एक्टिव पार्टिसिपेशन ऑफ स्टेक होल्डर्स टू बिल्ड अप इनोवेटिव एंड ट्रेडिशनल स्किल्स, वही लिखा है, एंड ग्रेजुअली रेप्लीकेट सिमिलर मॉडल्स टू रीजनरेट ट्रेडिशनल इंडस्ट्री। नेचर ऑफ असिस्टेंस ये इंपॉर्टेंट है, गवर्नमेंट क्या देगी, आप अगर एक ट्रेडिशनल इंडस्ट्री को रीजनरेट करना चाहते हो तो गवर्नमेंट क्या देगी, फॉर एनी स्पेसिफिक प्रोडक्ट प्रोजेक्ट आपको मैक्सिमम 8 करोड़ तक का सपोर्ट मिलेगा एज सॉफ्ट हार्ड एंड थीमेटिक इंटरवेंशन। बेटा कुछ लोन होते हैं सॉफ्ट लोन, कुछ लोन होते हैं हार्ड लोन, कुछ लोन होते हैं थीमेटिक लोन्स। सॉफ्ट लोन मतलब आपको लोन दे दिया है जनरल पर्पसेस के लिए, इसमें कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है कि ये किधर यूज करना चाहिए, सॉफ्ट लोन इज जनरल लोन, जबकि हार्ड लोन आपको स्पेसिफिक पर्पस के लिए, फॉर एग्जाम्पल मैं एक ट्रेडिशनल इंडस्ट्री, मैं कॉटन वीविंग इंडस्ट्री को सुधारना चाहता हूँ, ठीक है, मैंने बोला मुझे एक बड़ी सी मशीन लगानी है सर 2 करोड़ रुपए की, ठीक है, तो इस फंड ने मुझे 2 करोड़ दिए और बोला आपको सिर्फ मशीन लेने के लिए ये पैसे दे रहे, ये फंड मुझे 2 करोड़ दे रहा है विद अ स्पेसिफिक इंस्ट्रक्शन बाय मशीन, मशीन खरीदने के लिए दिया है, दिस इज एन हार्ड लोन और कहीं यूज नहीं कर सकता। मेरे को जनरल ऐसे ही 1 करोड़ दे दिए, चलाओ आपका बिजनेस जो जो लगता है ले लो, सॉफ्ट लोन। थीमेटिक लोन अगर आप कोई पर्टिकुलर चीज को इंप्रूव करना चाहते हो उसके लिए लोन दे रहे, कोई एक पर्टिकुलर चीज, हु कैन अप्लाई, कौन जा सकते हैं इनके पास, एनजीओस, सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट के इंस्टीट्यूशंस या सेमी गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशंस, कुछ इंस्टीट्यूशंस जिन पे गवर्नमेंट का कंट्रोल तो होता है बट पूरी तरह से नहीं, प्राइवेटली मैनेज्ड होते हैं, दैट इज सेमी गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन, फील्ड फंक्शनरीज ऑफ स्टेट एंड सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट के फील्ड पे काम करने वाले लोग, क्योंकि इनको पता है कि फील्ड पे मतलब एक्चुअल लाइफ में क्या प्रॉब्लम है। पंचायत जा सकती है, क्योंकि देखो जनरली है ना क्या होता है, पता है क्या आपको, पता नहीं होगा बट जनरली ट्रेडिशनल इंडस्ट्रीज जो होती है वो पर्टिकुलर विलेजेस को बिलोंग करती है, 1-2 विलेज ऐसे होते हैं, एक पर्टिकुलर एरिया के विलेजेस सब मिलके वो प्रोडक्ट बहुत अच्छा बना सकते हैं, दूसरे विलेजेस ये नहीं कर सकते, इसीलिए पंचायत, हमने पंचायत को बोला आप भी अप्लाई करो, अगर आपको लगता है कि आपका जो ग्रुप ऑफ विलेजेस है या आपके 2-4 विलेजेस है या आपका 1 विलेज है जिसमें कोई एक ट्रेडिशनल इंडस्ट्री को इम्प्रूव किया जा सकता है, पूरे गांव के 20-30-50 लोगों को डेवलपमेंट मिलेगा, गांव में आपको उसके लिए कुछ फैसिलिटीज लानी है तो हम आपको 8 करोड़ तक का लोन गांव के लिए दे देंगे। प्राइवेट सेक्टर बाय फॉर्मिंग क्लस्टर स्पेसिफिक एसपीवी स्पेशल पर्पस व्हीकल्स, व्हीकल यहाँ पे मतलब होता है ऑर्गेनाइजेशन, SPV स्पेशल पर्पस व्हीकल, यहाँ पे व्हीकल का मतलब है ऑर्गेनाइजेशन। इन्होंने क्या बोला, प्राइवेट बिजनेसमैन जैसे मैं, मतलब केबी सर का फ्रेंड PP सर, ठीक है, केबी सर का फ्रेंड ओके सर, कुछ भी सब प्लीज ध्यान दो इधर, हम तीनों मिलके कोई ट्रेडिशनल इंडस्ट्री को डेवलप करना चाहते हैं बट हम तो गवर्नमेंट के लोग हैं नहीं, हमको अगर 8 करोड़ दे दिया तो गवर्नमेंट बोम, तो दूसरे लोग बोम मारेंगे, दूसरे लोग बोलेंगे सर आप तो देखो, अगर गौर से देखोगे ना ये सब प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस इसमें से कोई नहीं है, हम प्राइवेट 3 लोग हैं और हम चालू कर, हम एक इंडस्ट्री को डेवलप करना चाहते हैं
बट अगर गवर्नमेंट ने हमको 8 करोड़ का लोन दिया ना तो बहुत बम बम हो जाएंगे, तुरंत हमारे बारे में न्यूज़ आ जाएगा, हाँ ये बीजेपी के ये साला लगता है बीजेपी के नेता का या फिर कांग्रेस के नेता का या फिर प्राइम मिनिस्टर का, चीफ मिनिस्टर का, ये सब फालतू बना नहीं होना चाहिए। इसलिए उन्होंने बोला अगर आप प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन हो बट आप करना चाहते हो कुछ अच्छा तो आप एक नॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन बनाओ जिसे SPV बोला जाएगा, स्पेशल पर्पस व्हीकल। ये ऑर्गेनाइजेशन का काम एक ही है, इस ऑर्गेनाइजेशन का काम है उस ट्रेडिशनल इंडस्ट्री को डेवलप करना, हम आपको नहीं देंगे, इस ऑर्गेनाइजेशन को लोन देंगे, समझा। यहाँ पे आपको एक SPV बनाना ही पड़ेगा, SPV उस ऑर्गेनाइजेशन का मकसद ही होगा डेवलपमेंट, उसमें से आपको प्रॉफिट नहीं मिलेगा। कॉर्पोरेट्स एंड कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी फाउंडेशंस एक्सेट्रा, ठीक है, बस इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है। तो आपको मिल सकता है ये लोन स्फूर्ति क्या था, स्कीम ऑफ फंड्स फॉर रीजनरेशन ऑफ ट्रेडिशनल इंडस्ट्रीज। नेक्स्ट, स्कीम फॉर प्रमोशन ऑफ इनोवेशन, देश में कुछ नया लाने के लिए, रूरल इंडस्ट्रीज को डेवलप करने के लिए और एंटरप्रेन्योरशिप को डेवलप, एंटरप्रेन्योरशिप मतलब न्यू बिजनेसेस को स्टार्ट करने के लिए, एस्पायर, अ स्कीम फॉर, एस्पायर का अ स्कीम फॉर पी प्रमोशन ऑफ आई इनोवेशन आर रूरल इंडस्ट्रीज एंड ई एंटरप्रेन्योरशिप। ऑब्जेक्टिव, नए जॉब्स क्रिएट करो बेटा। एंटरप्रेन्योरशिप क्रिएट करना मतलब लोगों को प्रमोट करना टू स्टार्ट न्यू बिजनेसेस। इफ वी आर प्रमोटिंग एंटरप्रेन्योरशिप, वी आर प्रमोटिंग द पीपल टू स्टार्ट न्यू बिजनेसेस, प्लस वी आर प्रमोटिंग रूरल इंडस्ट्रीज ऑल्सो, वी आर प्रमोटिंग रूरल इंडस्ट्रीज। जब ये सब बढ़ेगा तो नए जॉब्स क्रिएट होंगे, देश में एंटरप्रेन्योरशिप कल्चर डेवलप होगा। बेटा एंटरप्रेन्योरशिप कल्चर डेवलप इसलिए जरूरी है क्योंकि ये जो बंदा है एंटरप्रेन्योर, एक जमाना था ये जॉब मांगते घूम रहा था, अगर वो एंटरप्रेन्योर बन गया, खुद का ही बिजनेस चालू कर दिया, हो सकता है 2-4 लोगों को जॉब दे दे। एंटरप्रेन्योरशिप और आगे जाके अगर इसका बिजनेस बहुत बड़ा हो गया, हो सकता है 5-10 साल में 10,000 लोगों को जॉब दे दे। सो वी वांट टू प्रमोट एंटरप्रेन्योरशिप। ग्रास रूट इकोनॉमिक डेवलपमेंट एट डिस्ट्रिक्ट लेवल, देश में डेवलपमेंट नजर आ रही है, छोटे छोटे लेवल पे दिखी नहीं रही है, तो ग्रास रूट लेवल। फैसिलिटेट इनोवेटिव बिजनेस सॉल्यूशंस फॉर अनमेट सोशल नीड्स, सोशल नीड्स बहुत सारी अभी भी बाकी है जिनको, सोशल नीड्स जैसे पॉवर्टी, इलिटरेसी, ये सारे अभी भी बहुत प्रॉब्लम्स को सॉल्व करना बाकी है, तो उनको डेवलप करना, क्योंकि देखो रूरल इंडस्ट्रीज डेवलप हो जाएगी, एंटरप्रेन्योरशिप डेवलप होगा, जॉब्स बढ़ने लगेगी, तो धीरे धीरे सोशल प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने का भी के लिए पैसे वैसे अवेलेबल होने लग जाएंगे। प्रमोट इनोवेशन टू फर्दर स्ट्रेंथन द कॉम्पिटिटिवनेस ऑफ MSME सेक्टर, नए नए मेथड्स ढूंढ के लाओ जिससे क्या होता है, देखो MSME मतलब मीडियम स्मॉल माइक्रो एंटरप्राइज। मेरा एक छोटा सा बिजनेस है, मैं दूध, मेरा है ना छोटा सा डेयरी है, प्लीज ध्यान दो, मेरा एक छोटा सा डेयरी है, मेरे पास सिर्फ 20 काउज है, 20 काउज 20 बफेलोज है, इनसे जो दूध निकलता है इससे मैं थोड़ा बहुत घी चीज बना के बेच देता हूँ। धीरे धीरे मैं 40, 50, 60, 100 काउज पे चला गया, दिस इज अ बिग बिजनेस, ओके, बट दिस इज नॉट एज बिग एज अमूल, क्योंकि अमूल के पास 60-70 हज़ार लोग है जो लाके देते दूध उनको रोज, समझा, अमूल के पास 4 फैक्ट्रीज है, बट दिस इज अ ड्रॉबैक फॉर मी, समझा कि नहीं समझा। तो इन्होंने बोला कुछ ऐसा नया ढूंढो जिससे ये जो छोटे बिजनेसमैन है ना इनको भी कंपटीशन में बेटर होने का मौका मिले। अब अमूल जितना ज़्यादा प्रोड्यूस करता है, अमूल की कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बहुत कम है, तो हमारी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन को कम करने के लिए कुछ करो। नेचर ऑफ असिस्टेंस इसमें क्या बोला है, 80 लाइवलीहुड बिजनेस इनक्यूबेटर्स टू बी सेटअप बाय NSIC, KVIC, कॉयर बोर्ड एंड एनी और एनी अदर इंस्टीट्यूशन एजेंसी, कुछ नहीं छोड़ दो, इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। लाइवलीहुड बिजनेस सेंटर्स मतलब क्या, जिन चीजों से लोग, बेटा ये छोटे मोटे बिजनेसमैन जिन चीजों से अपना जिंदगी चलाते थे, जैसे कॉयर बेच के, कॉयर मतलब क्या, वो नारियल होता है ना, बड़ा सा नारियल, वो जब सूख जाता है उसके अंदर के जो चीजें होते कॉयर, वो इसकी तरह यूज होती है, मैट्रेसेस में यूज होती है अपनी गद्दियों में, समझा। तो ये सब कैसे बिजनेसेस है बच्चों, ये सब लाइवलीहुड बिजनेसेस है। तो 80 बिजनेस इनक्यूबेटर, बेटा इनक्यूबेटर वो चीज़ होती है जहाँ पे एक छोटे बच्चे को रखा जाता है जब वो ज़्यादा, यू नो, स्टार्टिंग में अगर एक बच्चा पैदा हुआ बट वो थोड़ा कम हेल्दी है तो उसे इनक्यूबेटर में रखा जाता है ताकि उसको सपोर्ट मिले, ताकि वो धीरे धीरे और बेटर होते जाए। सो वैसे ही कुछ बिजनेसेस ऐसे होते हैं जिनको स्टार्टिंग फेज में ये सपोर्ट की जरूरत पड़ती है, तो वो होता है बिजनेस इनक्यूबेटर। बिजनेस इनक्यूबेटर क्या करता है, एक नए बिजनेस को, एक छोटे से बिजनेस को या नया न्यूली बॉर्न बिजनेस को सपोर्ट करता है, समझा, ऑन इट्स ओन और बाय एनी एजेंसी, छोड़ दो, फॉर प्रमोशन ऑफ सेम इनोवेशन एंटरप्रेन्योरशिप एग्रो इंडस्ट्री, ठीक है, MSME, वन टाइम ग्रांट ऑफ 100% कॉस्ट ऑफ, ये याद रखना पड़ेगा। अगर आप कोई भी नया रूरल इंडस्ट्री स्टार्ट कर रहे हो तो आपको वन टाइम जो भी आपका प्लांट एंड मशीनरी आप लगा रहे हो, लैंड छोड़ के आप जितना भी प्लांट और मशीनरी खरीदोगे अप टू 100 लाख, और देखो
एक्चुअल अमाउंट ऑफ 100 लाख मैंने अगर 75 लाख का प्लांट एंड मशीनरी खरीदा 75 और 100 लाख विच एवर इज लोअर तो मुझे 75 लाख पूरा मिल जाएगा। मैंने अगर 75 लाख के प्लांट एंड मशीनरी खरीदे तो 75 लाख मिलेंगे। मैंने अगर 120 लाख के प्लांट एंड मशीनरी खरीदे तो मुझे 100 लाख मिल जाएंगे, मतलब 1 करोड़ रुपए। ऊपर के 25 तो तेरे डाल भाई, हम 1 करोड़ तक का सपोर्ट देंगे। 100 लाख इज 1 करोड़, समझा यहाँ पे। इन केस ऑफ इंक्यूबेशन सेंटर्स टू बी सेटअप अंडर पीपीपी पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप मोड, समझा यहाँ पे। बहुत ज्यादा काम का तो है नहीं। नेक्स्ट, तो इन्होंने बोला भैया इंक्यूबेशन सेंटर्स जो है, इंक्यूबेशन सेंटर्स किसके लिए? बिजनेस के लिए, न्यूली बॉर्न बिजनेसेस को सपोर्ट करने के लिए इंक्यूबेशन सेंटर्स है। बट वो सारे के सारे गवर्नमेंट नहीं, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप मॉडल में बनेंगे। मतलब ये इंक्यूबेशन सेंटर्स प्राइवेट बिजनेसमैन भी चला सकते हैं अपने आसपास के बिजनेसेस को सपोर्ट करने के। ऑब्वियसली उसमें वो प्रॉफिट तो मांगेंगे। वन टाइम ग्रांट मिलेगा 50% ऑफ कॉस्ट ऑफ प्लांट एंड मशीनरी, ठीक है, लैंड छोड़ के, लैंड और बाकी चीजें छोड़ के, या 50 लाख विच एवर इज लेस। तो अब एक बात समझो, मतलब क्या है, मैं अगर एक बिजनेस चालू करना चाहता हूँ, मैं अगर एक रूरल इंडस्ट्री खुद चालू करना चाहता हूँ तो मुझे 100 लाख तक का मिल जाएगा। मैं अगर इंक्यूबेशन सेंटर चालू करना चाहता हूँ, इंक्यूबेशन सेंटर, तो मुझे 50 लाख तक का लोन मिल जाएगा। आई होप यू ऑल हैव अंडरस्टूड। ये इंक्यूबेशन सेंटर वाला बात कर रहा है, ये बिजनेस की बात कर रहे हैं। मैं अगर बिजनेस चालू करना चाहता हूँ तो बिजनेस चालू करने के लिए जो प्लांट एंड मशीनरी खरीदनी है 100 लाख, मतलब 1 करोड़ तक की प्लांट एंड मशीनरी का पूरा ग्रांट मिल जाएगा, मतलब गवर्नमेंट मुझे लोन दे देगी उतना। मैं अगर इंक्यूबेशन सेंटर चालू करना चाहता हूँ तो 50 लाख तक का मिल जाएगा। आई होप यू ऑल हैव अंडरस्टूड दिस। इंक्यूबेशन सेंटर के लिए 50 लाख तक का मिल जाएगा, ओके, ठीक है। असिस्टेंस टूवर्ड ट्रेनिंग कॉस्ट ऑफ इंक्यूबेटर्स विल बी मेट आउट एट द, छोड़ दो। एंटरप्रेन्योरशिप एंड स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम ESDP, नाम में लिखा है, एंटरप्रेन्योरशिप डेवलप करना है, ठीक है, रेगुलरली ऑन द नेचर, टैलेंट वैलेंट को प्रमोट करने के लिए EDPs, दैट इज एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट प्रोग्राम्स, आर जनरली कंडक्टेड इन ITIs। ITIs में आपको मशीन सिखाई जाती है, बेसिक मशीन की वर्किंग सिखाई जाती है ताकि आप फैक्ट्री में काम कर सको या मैकेनिक का काम कर सको। पॉलिटेक्निक्स मतलब डिप्लोमा वाली कॉलेजेस जो इंजीनियरिंग के पहले होती है, या टेक्निकल इंस्टीट्यूशंस वेयर स्किल इज अवेलेबल टू मोटिवेट देम टू सेल्फ एम्प्लॉयमेंट। बेटा ITI ले लो या पॉलिटेक्निक्स ले लो, यहाँ पे आप इनको अगर एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट करो। सर एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट मतलब अगर आप उनको ये दिखाओ कि आप जो भी सीख रहे हो उससे एक बिजनेस स्टार्ट कर सकते हो। एंटरप्रेन्योर क्या करता है? बिजनेस स्टार्ट करता है। तो ITIs या पॉलिटेक्निक्स में लोग मशीन्स को चलाना सीखते हैं। अगर आप उनको ये दिखाओ, क्या दिखाओ, कि वो लोग ये कोर्स करके जो भी सीख रहे हैं उससे एक बिजनेस स्टार्ट जरूर कर सकते हैं, सेल्फ एम्प्लॉयमेंट, किसी के पास ये कोर्स खत्म होने का जॉब मांगने की जरूरत नहीं है, जब अपना खुद का मशीन रिपेयरिंग का शॉप खोल दे, मैकेनिकल या फिर मैकेनिक का काम कर तुझे अगर आता है तो, समझा। तो इस स्कीम का काम, इस स्कीम में लिखा है एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट एंड स्किल डेवलपमेंट। एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट मतलब लोगों के अंदर एंटरप्रेन्योरल स्पिरिट डेवलप करो, लोगों को ये डेवलप करो अंदर से कि उन्हें जॉब नहीं बिजनेस करना है। नेचर ऑफ असिस्टेंस, 20% ऑफ द टोटल टारगेटेड आर कंडक्टेड एक्सक्लूसिवली फॉर वीकर सेक्शंस ऑफ द सोसाइटी। वीकर सेक्शंस लिखा है यहाँ पे आगे, SC ST वुमेन एंड फिजिकली हैंडीकैप्ड, PH फिजिकली हैंडीकैप्ड, जिन्हें 500 रुपए पर मंथ पर कैंडिडेट अंडर द प्रमोशनल पैकेज फॉर MSME, नो फीस चार्ज फ्रॉम द कैंडिडेट्स। मतलब क्या, प्लीज ध्यान दो, मेरा एक इंस्टीट्यूशन है जहां पे मैं आपको स्किल एंड एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट प्रोग्राम सिखा रहा हूं। आप अगर मेरे पास आते हो तो गवर्नमेंट मुझे 500 रुपए दे देती है पर कैंडिडेट पर मंथ। मैं आपसे कोई चार्ज नहीं लूंगा और ये कोर्स आपको फ्री में सिखा दूंगा। मैं आपको फ्री में सिखा रहा हूँ, गवर्नमेंट से 500 रुपए ले रहा हूँ। सर 500 रुपए कम नहीं होते बेटा, सिखाया भी वैसी बेसिक चीजें जाती है, कोई बहुत मैं क्या आपको इंजीनियर बना के नहीं भेजने वाला हूँ, समझा यहाँ पे। तो अगर मैं ये वाला काम कर रहा हूँ, एंटरप्रेन्योरशिप एंड स्किल डेवलपमेंट वाला, अगर मैं अपने पास एक ऑर्गेनाइजेशन ओपन करके, या ITI, मेरा एक ITI कॉलेज है, ITI कॉलेज है, तो इसमें मैं अगर ये वीकर सेक्शंस के लोग मेरे पास सीखने आते हैं तो मैं उनको फ्री में सिखाऊंगा, नो फीस चार्ज फ्रॉम देम, और मैं 500 रुपए गवर्नमेंट से लूंगा। हु कैन अप्लाई, दीज प्रोग्राम्स आर कमेंटेड बाय डिपार्ट, छोड़ दो। लास्ट वन, स्कीम ऑफ नेशनल स्मॉल इंडस्ट्रीज कॉर्पोरेशन, वो ऊपर NSIC आ रहा था ना, नेशनल स्मॉल इंडस्ट्रीज कॉर्पोरेशन, द स्कीम ऑफ नेशनल स्मॉल इंडस्ट्रीज कॉर्पोरेशन, सिंगल पॉइंट रजिस्ट्रेशन। अगर आप एक स्मॉल इंडस्ट्री डालना चाहते हो, स्मॉल इंडस्ट्री मतलब छोटा मोटा फैक्ट्री,
बेटा फैक्ट्री का मीनिंग जरूरी नहीं ऐसा बहुत भारी, आप घर में भी फैक्ट्री डाल सकते हो। घर मतलब लिटरली फ्लैट में तो नहीं बोल सकता हूँ, बट अगर आपने एक छोटी सी जगह ले ली वहां पे भी आप फैक्ट्री स्टार्ट कर सकते हो। सो द गवर्नमेंट इज द सिंगल लार्जेस्ट बायर ऑफ वैरायटी ऑफ गुड्स विद अ व्यू टू इंक्रीज द शेयर ऑफ परचेस फ्रॉम स्मॉल सेक्टर। बेटा हमारी गवर्नमेंट खुद वोकल फॉर लोकल को प्रमोट करके लोकल बिजनेसेस से बाय कर रही है, और छोटे मोटे बिजनेसेस से गवर्नमेंट बहुत कुछ बाय करती है। तो गवर्नमेंट कोशिश कर रही है कि इन छोटे बिजनेसेस को एक साथ एक जगह लेके आए। द गवर्नमेंट स्टोर्स परचेस प्रोग्राम वॉज लॉन्च इन 1955-56 से हम लोगों ने डायरेक्ट ये प्रोग्राम लॉन्च किया कि हमारी गवर्नमेंट स्टोर करेगी लोकल से खरीद के। NSIC registers micro and small enterprises under single point registration scheme for participation in government purchases. Simple सी चीज़ है, अगर आपका micro, small या medium enterprise है आप आके हमारे पास register करो। जैसे आपने register किया आपकी सारी details ले ली जाएगी कि आप क्या product बनाते हो, कितना बनाते हो, कैसे बनाते हो, क्या price पे बेचते हो, और government आपके आपने जैसे ही register किया आप list में add हो गए buyers, vendors के, गवर्नमेंट आपसे बाय करना शुरू करेगी। दैट इज NSIC स्कीम फॉर नेशनल ऑफ नेशनल स्मॉल इंडस्ट्रीज कोऑपरेशन। ये स्कीम क्या है, ये क्या बोलती है आपको, ये स्कीम आपको बोलती है कि भैया तू रजिस्ट्रेशन कर ले हमारे पास, हम तुझसे परचेजेस, गवर्नमेंट तुझसे परचेजेस करने स्टार्ट कर देगी। समझा? ठीक है, तो अब एक 5 मिनट का ब्रेक लो, ओनली 5 मिनट्स, और हम ये लास्ट पार्ट भी कर लेंगे। नहीं, हम ये लास्ट पार्ट कल करते हैं, आज के लिए यही रुकते हैं। इसमें कुछ इंपॉर्टेंट चीजें बतानी है मुझे, क्योंकि इसमें वेंचर कैपिटलिस्ट वगैरह आ रहा है, स्टार्टअप्स के लिए क्या हो रहा है। तो वी विल डू दिस रिमेनिंग पार्ट टुमारो, इज दैट ओके? दिस इज इम्पॉर्टेंट, बहुत थ्योरी हो गई आज, डिबेंचर्स विबेंचर्स। तो आपको घर पे जाके क्या डिफरेंस देखना है, आपको घर पे जाके इक्विटी शेयर्स, प्रेफरेंस शेयर्स और डिबेंचर्स में क्या डिफरेंसेस है, किसको कब क्या मिलता है, इसको प्रॉफिट मिलता है बट कब, इसको प्रॉफिट मिलता है बट कब, इसको इंटरेस्ट मिलता है बट कब, इसके पास क्या पावर्स या इसके क्या राइट्स है, सबके राइट्स क्या है, सबके प्रॉब्लम्स क्या है, ये सब आपको ध्यान देना पड़ेगा। ठीक है, सो वी विल स्टॉप फॉर द डे। ठीक है, स्टार्टअप्स के बारे में अच्छी चीजें हैं, मैं कल बताऊंगा वेंचर कैपिटलिस्ट वगैरह क्या, ये सब सिंपल सी चीजें थी। ऊपर सारे स्कीम्स के नाम पढ़ने हैं, इसमें करंट अफेयर्स वाला कोई पार्ट नहीं है, लेटेस्ट नहीं है क्योंकि, बट इन स्कीम्स के नाम पता होने चाहिए, किसको वो स्कीम्स मिलेगी, क्या नाम है। सो पहला स्फूर्ति स्कीम ऑफ फंड्स फॉर रीजनरेशन ऑफ ट्रेडिशनल इंडस्ट्रीज, कितना पैसा मिलेगा, 8 करोड़ रुपए तक मिलेगा आपको, बट पूरा गांव की गांव या पूरा क्लस्टर, पहले क्लस्टर बनाओ, एक अकेले इंसान को नहीं देंगे। इन्होंने बोला भाई साहब पहले क्लस्टर बनाओ, आप सिमिलर कोई ट्रेडिशनल इंडस्ट्री वाले सारे लोग एक साथ आओ, फिर हम आपको 8 करोड़ तक का लोन देंगे। दूसरा था एस्पायर, अ स्कीम फॉर प्रमोशन ऑफ इनोवेशन एंटरप्रेन्योरशिप, सॉरी रूरल इंडस्ट्रीज एस्पायर एंड एंटरप्रेन्योरशिप, इसमें एम्प्लॉयमेंट जनरेट करके लोगों की स्किल्स को सुधार के एम्प्लॉयमेंट जनरेट करने की कोशिश की जाती है। समझा यहाँ पे? और जो सोशल नीड्स पूरी नहीं, बेटा इनकम आने लग जाएगी तो सोशल नीड्स पूरी होने लग जाती है। तो अगर आप कोई बिजनेस खोलना चाहते हो, रूरल इंडस्ट्री या फिर एंटरप्रेन्योरशिप, समझा, तो आपको 100 करोड़ तक की प्लांट एंड असेट्स आप खरीद लो। आप प्लांट एंड मशीनरी कितने की भी खरीदो, 100 करोड़ से ज्यादा की होगी तो 100 करोड़ तक का आपको गवर्नमेंट कॉस्ट बेयर कर लेगी। बट अगर आप एक स्किल डेवलपमेंट सेंटर खोलना चाहते हो तो 50 लाख तक मिलेगा आपको। स्किल डेवलपमेंट सेंटर में भी प्लांट मशीनरी, बेटा मैं अगर आपकी स्किल डेवलप करना चाहता हूँ, मैं आपको मशीन यूज करना सिखाना चाहता हूँ, तो मेरे को भी मशीनें खरीदनी पड़ेगी, तो वो प्लांट एंड मशीनरी पे मेरे को 50 लाख तक का सपोर्ट मिल जाएगा। एंटरप्रेन्योरशिप एंड स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम, इसमें सीधा बोला है कि जो ITIs है, पॉलिटेक्निक्स है, ये जो कॉलेजेस है, ये इन वीकर सेक्शंस के लिए, ये स्कीम सिर्फ वीकर सेक्शंस के लिए, अगर आप SC ST वुमेन या फिजिकली हैंडीकैप्ड हो तो आप किसी भी ITI या पॉलिटेक्निक के पास चले जाओ जो ये स्कीम चलाता है, ये वाली स्कीम जो चलाता है, आप जाओ आपको फ्री में एजुकेशन मिल जाएगा वहाँ पे, और ये एजुकेशन आपको जॉब के लिए नहीं, सेल्फ एम्प्लॉयमेंट के लिए दिया जा रहा है। समझा यहाँ पे? तो आप चले जाओ, आपको फ्री में एजुकेशन मिल जाएगा, आपसे कोई फीस नहीं लेगी, लिया तो हमको बताओ, क्योंकि आपकी फीस गवर्नमेंट 500 रुपये पर पर्सन से भरते जा रहा है। और लास्ट वाला था स्कीम फॉर नेशनल स्मॉल इंडस्ट्रीज कॉरपोरेशन, इसमें बोला है कि आपको एक सिंगल पॉइंट रजिस्ट्रेशन फैसिलिटी मिलेगी। आप अगर एक माइक्रो स्मॉल या मीडियम एंटरप्राइज हो तो गवर्नमेंट ने 1955-56 में एक स्कीम लॉन्च की थी, गवर्नमेंट स्टोर्स परचेज प्रोग्राम, जिसमें गवर्नमेंट बोलता है कि हम ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें स्मॉल और माइक्रो स्मॉल मीडियम एंटरप्राइजेस से बाय करेंगे। इस स्कीम में गवर्नमेंट ने सीधा बोला कि देखो हम आपको एक सिंगल पॉइंट रजिस्ट्रेशन फैसिलिटी प्रोवाइड कर रहे हैं, आओ आपका माइक्रो स्मॉल या मीडियम बिजनेस होगा उसको यहाँ रजिस्टर करवा लो।
इसके इसमें जैसे ही रजिस्टर हो जाएगा आप गवर्नमेंट परचेजेस में पार्टिसिपेट कर पाओगे, मतलब गवर्नमेंट आपसे परचेज करना स्टार्ट करेगा। तो कल हम देखेंगे स्टार्टअप्स के लिए क्या किया जाता है, और होपफुली देखते हैं कल या परसों आपका करंट अफेयर्स का लेक्चर भी हो जाएगा। ठीक है, दैट्स इट फॉर टुडे। थैंक यू, टाटा, बाय बाय एवरीवन। थैंक यू वंशिका, थैंक यू साक्षी, बाय बाय।